हाय ह्यूमंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज आई होप सभी अच्छे हैं तैयारी जोरों शोरों से चल रही है तो फाइनली कल हमारा पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम है एक दिन रह गया है और आज हम अभी शुरुआत करते हैं अपनी वन शॉट रिविज़न फॉर क्लास ट्वेल्व पोलिटिकल साइंस बुक टू पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फटफट से सारे चैप्टर्स रिवाइज करते हैं क्या की वर्ड्स हैं टॉप किस टॉपिक के अंडर हमें कौन से की वर्ड्स मैंशन करके आने हैं वो आंसर्स हम देखेंगे राइट right, एवरी तो चलिए वन शॉट रिविज़न शुरू होती है बुक टू की सभी जो है अपनी प्रेजेंट लगा देंगे क्विकली क्विकली प्रेजेंट लगा दें कौन कौन प्रेजेंट है आज की वन शॉट वीडियो के लिए फटाफट से बता दीजिए बहुत अच्छे जी हां सारे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट लगा दी है आई कैन सी यू ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे शौर्य वेद मान्या पलक स्नेहा दीक्षा तमन्ना ख्याति पीयूष ग्रेट एवरीबडी कीप जॉइनिंग इन कीप जॉइनिंग इन एंड देन वी शैल गेट स्टार्टेड विद आर टूडेज वन शॉर्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस देखो 1947 के बाद से हमारी ये जो बुक है शुरू हो रही है और स्पेसिफिक इंडिया की हम बात करेंगे तो चलिए सबसे पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग क्या मुसीबतें हमें फेस करनी पड़ी क्या चैलेंजेस आई प्रॉब्लम्स आई इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बनाने में ठीक है जी चलिए तो आफ्टर द ब्रिटिश रूल ऑफ नियरली टू हंड्रेड India became independent on the midnight of 14th, 15th August 1947. रात के 12 बजे midnight 14-15 August. ठीक है जी. But with this freedom, the people of the country had to face the partition. भाई एक जगह खुशी है कि हमें हम आजादी मिली, but दूसरी जगह दुख है जो था partition. Right? कि division होने वाला है अब India का. इन द स्पेशल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंटली जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड अद डेस्टिनी तो एमसी क्यों आ सकता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच किसने दी थी कब दी थी जवाहरलाल नेहरू राइट क्लियर है बहुत अच्छे एट द टाइम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू थिंग्स वर अग्रीड अपॉन दो ऐसी चीजें थी जो सभी ने अग्री करिए कंसेंसस था टोटल अग्रीमेंट था उसको लेके वो क्या थी कि भाई इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी और सोशल वेलफेयर होगा ठीक है ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की भलाई होगी तो वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शंस ठीक है सोशल वेलफेयर ये दो चीजें हैं जिस जिसपे सबने अग्री किया था और कोई भी वाद विवाद इस पर नहीं हुआ था डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर फटाफट से चैट में लिख देंगे सभी डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर ठीक है जी चलिए ओके नाव तीन चैलेंजेस हम पढ़ेंगे तीन प्रॉब्लम्स जो इंडिया ने फेस करी, ठीक है जी तीन प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है टू शेप नेशन एक ऐसा एस, नेशन बनाना जो यूनिफाइड भी हो यानी कि एकजुट हो यूनिटी हो और डाइवर्सिटी भी हो राइट डाइवर्सिटी यहाँ पे इंटेग्रिटी में यहां पे आई वुड से यूनिटी और डाइवर्सिटी लिखना ठीक है कि अलग अलग जो हमारी हमारे रिलीजन् लैंग्वेजेस हैं कल्चर है, है राइट अलग अलग तरीके की सोशल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखना साथ में यूनिटी को भी बनाए रखना सो इंडिया वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू इक्वल टू एनी कॉन्टिनेंट इन इट्स साइज एंड डाइवर्सिटी वेयर द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर्स रिलिजन लिव टूगेदर तो सबसे पहला चैलेंज था यूनिटी और डाइवर्सिटी का दूसरा चैलेंज था हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे कैसे बोल तो दिया कि डेमोक्रेसी फॉलो होगी लेकिन कैसे राइट तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना गया राइट right? बहुत अच्छे तीसरा चैलेंज क्या है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी इधर आई वुड से इसकी जगह तीसरा चैलेंज हम लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शॉर्ट में लिख रही हूं मैं डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी ठीक है ये तीसरा चैलेंज था कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करना है राइट right? इकोनॉमी को भी ग्रो करना है और सबको साथ लेकर चलना है वेलबींग ऑफ सोसाइटी सोशलिज्म का फैक्टर भी रहना है तो क्या तीन चैलेंजेस है चैलेंज ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनिफाइड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटीज नंबर टू टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड नंबर थ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी क्लियर एवरीबडी ये तीन चैलेंजेस थे बहुत अच्छे आगे चलते हैं पार्टीशन की अगर हम बात करें तो पार्टीशन किस चीज़ पे बेस्ड था इट वॉज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी विच वॉज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग एक पोलिटिकल पार्टी थी राइट मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पोलिटिकल पार्टीज थी जो आ, हमारा इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत पॉपुलर थी राइट right? तो टू नेशन थ्योरी दी जिसमें क्या बोला कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन ऑफ वन कम्युनिटी बट रादर टू कम्युनिटीज टू पीपल हिंदूज एंड मुस्लिम्स राइट और बोला कि भाई मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री हम चाहते हैं नोन एज पाकिस्तान इस वजह से रिलीजियस बेसिस पे रिलीजन uh, के बेसिस पे जो है ब्रिटिश इंडिया का डिविजन किया गया ठीक है जी बहुत अच्छे आगे चलते हैं ओके okay. चलिए ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया तो देखो क्या क्या problems थी पार्टीशन को लेकर अगर हम बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसिपल का मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसिपल मुस्लिम मेजॉरिटी कह रहे हो रिलीजियस मेजॉरिटी रिलीजियस मेजॉरिटी का प्रिंसिपल बोला गया था कि भाई जहां पे मुस्लिम ज्यादा तादाद में है ना जहाँ पे ज़्यादा तादाद में है वो रीजन्स जो है वो पाकिस्तान बन जाएंगे तो रिलीजियस मेजोरिटी का प्रिंसिपल था तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि भाई पाकिस्तान ना दो एरियाज में यानी कि बीच में यहाँ इंडिया है, एक पाकिस्तान यहाँ और एक यहाँ तो पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड बाई अ एन एक्सपेंस ऑफ लैंड राइट right? जो कि इंडिया था तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बना ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि दो रीजन थे जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में रहते थे राइट right? सो so, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वही जो बाद में जाके बांग्लादेश बना राइट क्लियर सो दिस वॉज वन प्रॉब्लम ठीक है दैट टू पार्ट्स में पाकिस्तान बनाया जाएगा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई नॉट ऑल राइट नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे कि खान अब्दुल गफार खान का एग्जाम्पल है वो एक लीडर थे एनडब्ल्यू एफ पी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ठीक है इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था तो यहाँ पे भी एम सी क्यू बनता है राइट तो इनके जैसे और भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे हु डिड नॉट वॉन्ट टू जॉइन पाकिस्तान एंड डे डि नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी तो ये दूसरी प्रॉब्लम है तीसरी प्रॉब्लम क्या थी पार्टीशन को लेके कि भाई जो ये मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स हैं ना इसमें बहुत सारे रीजन्स इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती थी मेजोरिटी की राइट तो भाई उनका क्या होगा ये भी अनक्लियर रहा कि फिर वो लोग कहां रहेंगे वो लोग कहां जाएंगे क्योंकि वहां पे मेजोरिटी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती थी पंजाब और बंगाल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं राइट दीज वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल राइट एंड फोर्थ प्रॉब्लम वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन सो ऑन बोथ साइड जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे भाई राइट जो पाकिस्तान में हिंदूज और इंडिया में मुस्लिम्स उनको यही नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है क्या करना है और लार्ज स्केल वॉयलेंस फिर शुरू हो गया राइट आगे चलते हैं चलिए सो द प्लान ऑफ पार्टीशन डिड नॉट से कुछ भी उसमें मैंशन नहीं था भाई कि कौन सा रीजन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कौन सा रीजन है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ भी नहीं क्योंकि सब कुछ ऑन द स्पॉट होता चला गया और उसकी वजह से जो हम कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ते हैं वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज कि कम्युनल uh, वायलेंस होता है राइट कम्युनल ज़ोन्स बनाए गए राइट रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं विमेन के साथ बहुत सारी अट्रोसिटीज हुई किलिंग्स हुई राइट क्लियर एवरी वन सो ऑफ़ पार्टीशन क्लियर बहुत अच्छे आगे चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पे इसमें बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ना पार्टीशन का वो कॉन्सिक्वेंसेज है एक तो राइट क्लियर एंड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है जो हमने पढ़ा ठीक है ये दो चीजें पूछी जाती हैं आगे चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पे प्रॉब्लम क्या थी भाई जो ब्रिटिश इंडिया है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था ध्यान से देखेंगे यहां पे लिखते हैं सो so, पार्टीशन से पहले का इंडिया ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था ठीक है एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक थे प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्ट किसके अंडर थे डायरेक्ट रूल किसका था इधर ब्रिटिशर्स का था ठीक है और ये जो है इनडायरेक्ट रूल था इनडायरेक्ट रूल इनडायरेक्ट रूल कैसे बी डायरेक्ट रूल था प्रिंस का और प्रिंस के थ्रू ब्रिटिशर्स का समझे बात तो इनडायरेक्ट रूल हुआ ना तो यहां पे डायरेक्ट रूल किसका है प्रिंस का और प्रिंस के थ्रू इनडायरेक्ट रूल किसका है ब्रिटिश का समझे बात हाँ या ना ब्रिटिशर्स फाइन क्लियर और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये प्रिंस के पास तभी इनको रूल करने की पावर है जब तक वो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को अग्री करता है जिसको बोलते हैं पैरामाउंटसी या ब्रिटिश सुजरेंटी जब तक वो प्रिंस अग्री करेगा जी हाँ ब्रिटिश सुप्रीम है और ब्रिटिश ने ही हमें ये राइट दी है इन इन स्टेट्स पे रूल करने की तब तक उसके पास ये पावर होगी कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी फटाफट से कॉमेंट करके बता दो चैट में क्विकली एवरीबडी कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी 565 वेरी गुड इंश्योरेंस फ्रेंड बहुत अच्छे 565 प्रिंसली स्टेट्स बहुत अच्छे अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें इनका भी जो है इंडिया में इंटीग्रेशन करना है तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी प्रिंस से राइट क्योंकि ब्रिटिश ने क्या बोला कि भाई जो प्रिंस हैं उनकी मर्जी है कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या खुद से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते हैं तो अब इंडिया को इन प्रिंसेस को भी मनाना पड़ा कि भाई तुम जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाओ ठीक है सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम इसको बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम ठीक है अब इसमें बहुत अच्छा जो हिस्टोरिक uh, रोल uh, किसने प्ले किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठीक है जी ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन परसुएटिंग द रूलर्स प्रिंसेस को उन्होंने मनाया एंड ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द इंडियन यूनियन ठीक है गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी इंटीग्रेशन प्र, ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को लेके पहली चीज पहला जो कंसिडरेशन था वो ये था कि जो वहाँ के लोग हैं वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं सो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स पीपल वांटेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी आ, चाहती थी कि फिर तो हमारे पास ज्यादा स्ट्रोंग वो है क्योंकि लोग हमारे साथ हैं वो हमारे आ, इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो पीपल सपोर्ट हो गया एक तो ये कंसिडरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के पास थी दूसरा पार्टीशन की वजह से ना ऑलरेडी जो डीमार्केशन ऑफ़ वेरियस एरियाज है जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे कि हमारे पास जो टेरिटे हम उसको फटाफट से अपने इंडियन मैप में ड्रॉ कर लें तो इसमें भी जो चीज़ है वो चाहते थे इंडियन इंडियन लीडर्स चाहते थे जल्दी से प्रिंसी स्टेट्स हमारी हो जाए और फिर हम उनको इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में अपना लें ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड सो द कंसेंट फॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भाई जो भी प्रिंसली स्टेट मान गई है इंडिया का आ, इंडियन यूनियन का पार्ट बनना उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया ठीक है मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़ हैदराबाद एंड कश्मीर एंड मणिपुर तो भाई चार प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनकी जिनको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी राइट तो जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर एंड मणिपुर ये एमसीक्यू में आ सकते हैं व्हाट आर द फोर व्हाट वर द फोर प्रिंसली स्टेट्स जिनका यूनिफिकेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर मणिपुर राइट चलिए तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की जूनागढ़ में तो एक प्लेबिसाइड हो गया था यानी कि पीपल का वोट ले लिया था कि आप क्या इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं और फिर वोटिंग के हिसाब से वो मर्ज हो गई अब हैदराबाद की बात करते हैं भाई हैदराबाद के रूलर को निजाम बोलते थे राइट क्लियर बता दो उनका नाम क्या था साइंस एन अग्रीमेंट विदर्नमेंट ऑफ इंडिया restore the status quo for one year in November 1947. Status quo यानी कि जो पहले वाली सिचुएशन थी जो ओरिजिनल uh, पहले वाली सिचुएशन थी इन द मेन टाइम मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट स्टार्टेड अगेंस्ट दूल निजाम का नेम क्या था मीर उस्मान अली निजाम निजाम लिखे जा रहे हो तुम तो नेम पूछ रही हूं मैं उस्मान अली खान निजाम ठीक है बहुत अच्छे राइट right? तो भाई स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट की यहां पे बात हो रही है स्टिल ही है ना आपका हैदराबाद वाला यस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट ठीक है ठीक है स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जो है यस डेट वाज साइंड इन नवंबर 1947, राइट इसका क्या मीनिंग था कि भाई जो हैदराबाद है अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेगा कि वो पाकिस्तान के साथ चला गया है ऐसे करके राइट तो इसी दे इतनी देर में क्या होता है जो वहां के लोग हैं देवर अनहैप्पी विद द निज़ाम रूलर से वो नाखुश थे तो वहां पे एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चालू हो जाती है राइट सो पीपल जो है वो आंदोलन करने लगते हैं प्रोटेस्ट करने लगते हैं अगेंस्ट द निज़ाम क्यों भाई क्या प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव रूल करते थे लोगों को लोगों पर बहुत ज़्यादा ऑप्रेशन करते थे एंड हैदराबाद uh, टाउन जो है दैट वॉज द मेन सेंटर ऑफ दिस प्रोटेस्ट क्लियर कम्युनिस्ट हैदराबाद कांग्रेस और बहुत सारे पेजेंट्स वीमेन जो हैं इस मूवमेंट uh, में सबसे आगे थे फिर एज अ रिस्पॉन्स क्या हुआ निज़ाम ने अपनी कोसाई मिलिट्री फोर्स जो है जिसका नाम था राजा कर्ज अपनी मिलिट्री फोर्स राजा कर्ज को जो है लॉन्च कर दिया पीपल पे एंड ये राजा कर्ज ने बहुत अत्याचार किया बहुत ज़्यादा वॉयलेंस किया लोगों पे एंड मतलब बिल्कुल रहम भी नहीं खाया एंड स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया तो बहुत ज़्यादा वॉयेंट सिचुएशन हो गई हैदराबाद में एंड इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा राइट एंड फिर निज़ाम ने सरेंडर कर दिया बाई मिलिट्री एक्शन ऑन सेप्टेम्बर नाइनटीन एंड इस तरीके से जो है हैदराबाद फिर फाइनली बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन इज इट क्लियर एवरी वन हा या ना बताइए जरा बहुत अच्छे परफेक्ट आगे चलते हैं नाउ वी हैव दर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट मनीपुर मनीपुर पे चलते हैं ओके सो मनीपुर को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दैट इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया वेर इलेक्शन वर हेल्ड बाई एडल्ट सफरेज राइट एडल्ट सफरेज यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की सबने जो है वोट किया था राइट इन जून 1948 पहली बार जो पहली बार इंडिया में एडल्ट सफरेज एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू वोटिंग हुई वो मणिपुर में हुई राइट right? जहाँ पे एक सर्टेन एज से ज्यादा ऑल uh, पीपल ने वोट किया ठीक है तो भाई इन ऑर्डर टू कीप द इंटरनल स्टेटस ऑफ मणिपुर द महाराजा बोधा चंद्रा सिंह एंड अच्छा अब मणिपुर के जो महाराजा उनका नेम क्या था बोधा चंद्रा सिंह ठीक है सो ही वॉज द महाराजा ऑफ मणिपुर अब इसकी ना कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है इंडिपेंडेंस से ना थोड़े से दिन पहले महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्रा सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ ठीक है और किस उस पे कि भाई जो इंटरनल ऑटोनॉमी है ना इंटरनल ऑटोनॉमी यानी कि इंटरनल अफेयर्स डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके पास रहेगी वो महाराजा के पास रहेगी ठीक है मणिपुर के पास रहेगी और इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा जो है इंटरफेयर नहीं करेगी लेकिन फिर क्या हुआ फिर इलेक्शन हुए जून 1948 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे राइट फिर जब इलेक्शन हुए तो क्या हुआ एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है ना एम चुने गए और एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई राइट हाँ या ना फिर जो वो लेजिसलेटिव असेंबली बनी उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या हम सच में इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं राइट right? फिर जो है काफी सारी इस पे वाद विवाद चली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा को मर्जर अग्रीमेंट साइन करने में प्रेशर दिया कब सितंबर 1949 में सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज़ करके महाराजा से मर्जर अग्रीमेंट साइन करा लिया और तब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो एम एल थे उनको ये गुस्सा रहा कि महाराजा ने हमसे कंसल्ट नहीं किया एंड इसी वजह से मणिपुर में अभी भी जो चीज़ है ये खटकती है वहाँ पे कि एंगर और रिजेंटमेंट है कि भाई हमसे नहीं पूछा गया क्लियर एवरी वन या ना बताइए ज़रा ठीक है जी बहुत अच्छे कश्मीर इशू हम रीजनल एस्पिरेशन में पढ़ेंगे चलिए अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग क्या है कि स्टेट्स की बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं वापस इस स्टेट को आ, कि कितना एरिया कौन सी स्टेट का आएगा ऐसे हम बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं अब इंडिया की बाहर की बाउंड्रीज तो ड्रा हो गई भाई ठीक है अब हम इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट का कितना एरिया है क्लियर एवरी चलिए

अपनी स्टेट चाहिए कि भाई एक लैंग्वेज और एक कल्चर के जो लोग हैं वो साथ में रह रहे हैं एक स्टेट में ऐसी जो है एस्पिरेशन uh, लोगों ने करी इज इट क्लियर चलिए ओके सो द पॉलिटिकल इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज़ फर्स्ट इंक्लूडेड इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920. सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे जो रिओर्गनाइजेशन की जाए इसकी चर्चा कब हुई थी 1920 के जो कांग्रेस का नागपुर सेशन था राइट और इवन वहाँ पर जो कांग्रेस है उसने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपना रिओर्गनाइजेशन किया था राइट यहाँ पे मैंशनड है आपकी बुक में सब अपनी एनसीईआरटी जरूर साथ रखेंगे हां सो मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज जो हैं लैंग्वेज के बेसिस पे फिर बनाई गई थी चलिए तो देखो अब ये जो स्टेट्स की रिओर्गेनाइजेशन है ना ये डिमांड कब शुरू हुई विशाल आंध्रा मूवमेंट से सबसे पहले विशाल आंध्रा मूवमेंट ठीक है विशाल आंध्रा मूवमेंट से शुरू हुई ठीक है जी विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या थी एक अलग से आंध्रा स्टेट की डिमांड जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें भाई एक नई स्टेट चाहिए आंध्रा जो कि मद्रास प्रोविंस से निकाली जाएगी राइट क्योंकि वहां पे देर वर मद्रासी स्पीकिंग पीपल एंड तेलुगु स्पीकिंग पीपल राइट बहुत अच्छे हम्म यस yes, ठीक है सो so, यहाँ से ये चीज शुरू हुई और इस मूवमेंट uh, के दौरान जो विशाल आंध्र मूवमेंट थी एक लीडर थे पोटी श्री राम उलू पोटी श्री राम उलू जी आपने सही सुना एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे इन्होंने 56 डेज तक एक हंगर स्ट्राइक करी और फिर इनकी डेथ हो गई तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था ये इशू इस वजह से जो है फिर गवर्नमेंट ने भी इफेक्टिवली एक्शन लिया एंड फाइनली पहली बार कब जो है रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुई लैंग्वेज के बेसिस पे दिसंबर 1952 में प्राइम मिनिस्टर अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहली स्टेट जो बनी वो कौन सी है आंध्र प्रदेश और कौन से साल में बनी फटाफट से कॉमेंट्स में बता दो इन विच ईयर चलिए इसके बाद चलते हैं हम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन पे अब भाई एक बच्चा बोलेगा पापा मुझे टॉफी चाहिए तो दूसरा बच्चा भी बोलेगा ना मुझे टॉफी चाहिए वो तो उल्टा आइसक्रीम मांगेगा तो भाई बाकी स्टेट्स की भी डिमांड शुरू हो जाती है कि भाई हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे आप जो है रिओर्गेनाइज करिए राइट अगर आपने एक बच्चे को चॉकलेट दी है तो दूसरे को भी देनी पड़ेगी तो क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है एक कमीशन बनाती है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ठीक है जी जो कि इस इस सब में लुक इन टू करेगी कि भाई कैसे जो है आ, हर एक स्टेट की रिओर्गेनाइजेशन करवाई जाएगी सो so इन 1953 द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राइट हेडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फैजल अली ठीक है क्लियर एवरीवन स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन एक ही साल बाद 53 में बना दिया जाता है ठीक है तो भाई अब कमीशन क्या बोलती है मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन क्या थी वहाँ बोला गया कि दिस इज ऑल एडिशनल एक बार रीड कर लेते हैं एंड द थ्री स्टेट सिस्टम बारिंग ओनली थ्री यूनियन टेरिटरीज द रेस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज शुड बी मर्ज विद देर इमीडिएट स्टेट्स एंड स्टेट्स शुड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लैंग्वेज स्पोकन दैर कि भाई अब जो स्टेट बोलेगी ठीक है जो वहां के लोग बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है रिओर्गेनाइजेशन कराई जाएगी ठीक है तो भाई स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज जो है वो सोल बेस वो बेस रहेगा सोल बेस रहेगा फॉर रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स सो द कमीशन प्रेजेंटेड अब रिपोर्ट कौन से साल में कमीशन ने दी 55 में तो कमीशन कब बना 53 में रिपोर्ट कब दी 55 में और एक्ट कब बना 56 में ठीक है जी कमीशन आपका 53 फिर आई रिपोर्ट 55 और फिर बना एक्ट 56 में ठीक है स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन पार्लियामेंट विच लेट टू दी क्रिएशन ऑफ फोर्टीन स्टेट यूनियन टेरेटरीज चौदह स्टेट बनाई गई और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज इट क्लियर एवरी वन येस और नो बहुत अच्छे चलो भाई ऑरिजिनल स्टेट और न्यू स्टेट देख लो अब और ईयर साथ में ऐसी टेबल मैंने हमेशा आपको बनाने को बोला है सी e तो के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है एमसीक्यूज के लिए बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए दो स्टेट इन द ईयर 1960, राइट right? असम से नागालैंड निकलाएं इन 1963 ग्रेटर पंजाब से हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश निकलाएं 1966। सिक्सटी सिक्स आसाम से मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972 में आसाम से मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में एंड भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला 2000 में झारखंड निकला बिहार और एमपी से ठीक है 2000 में एंड uh, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला राइट right, 2014 में विच वॉज द लेटेस्ट वन अब ये जो तीन स्टेट है ना उत्तराखंड और झारखंड एंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ये तीन जो स्टेट्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन कल्चरल लैंग्वेज नहीं कल्चरल सिग्निफिकेंस पे इनकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो ये भी बहुत जरूरी है ठीक है थ्री स्टेट्स छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन टू थाउजेंड एंड इसमें जो है द एग्जैक्ट वर्ड कहाँ है वो वाला रीजनल कल्चर हाँ रीजनल कल्चर के बेसिस पे रीजनल कल्चर ठीक है तो क्या केवल लैंग्वेज एक सोल बेसिस था जी नहीं लैंग्वेज वाज नॉट द ओनली बेसिस जिस पे स्टेट्स को रिओर्गेनाइजेशन की की गई क्योंकि तीन जो स्टेट्स हैं वो रीजनल कल्चर और कल्चरल इम्बेलेंस पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी उत्तराखंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो कि 2000 ईयर में बनाई गई इज इट क्लियर सभी को समझ में आया फटाफट से बताएंगे चलो ठीक है बहुत अच्छे ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सी स्टेट कब बनी और किससे निकल के आई ठीक है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे क्लास के बाद आपको मिल जाएगी फाइन बहुत अच्छे चलो आगे चलते हैं ये वाला अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे क्विकली सब जो है चैट में अप डाल देंगे रिवाइज हो गया ये वाला चैप्टर हाँ या ना फटाफट -पड़ से अप डाल देंगे कॉन्सिक्वेंसिस अच्छा एक काम करो कॉन्सिक्वेंसेज के पॉइंट बताओ चैट में क्योंकि वही वाला टॉपिक है जो टेक्स्ट में मेंशन नहीं था बट मैंने आपको फिर भी कराया मैंने बोला ना क्या क्या आएगा कॉन्सिक्वेंसिस में कम्युनल जोन्स बनी कौन सी थी तीन कम्युनल जोन्स अपनी लाहौर अमृतसर और कोलकाता बहुत अच्छे उसके बाद भाई माइनॉरिटीज़ जो है रेफ्यूजी कैंप्स में रुकी उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अनहेल्पफुल थी फिर विमेन की हम सब हेडिंग डाल के बताएंगे उनके साथ जो अट्रॉसिटीज़ हुई ठीक है ऑनर के लिंक का हम बताएंगे राइट उसके बाद हम क्या बताएंगे वील ऑल्सो टॉक अबाउट द डिविजन ऑफ हार्ट्स जो राइटर्स पोएट्स और फिल्म मेकर्स ने बोला ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस ओके बहुत अच्छे वेरी गुड चलिए जी इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज आर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चलिए अब हम बात करेंगे देखो एक और चीज मैं आपको बता दू एक सेकेंड रुको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा इजिली आप नेविगेट कर पाओगे चैप्टर्स के साथ अरे यार वो तो बहुत ऊपर है मैं लिख के ही बता देती हूं आप लोगों को ठीक है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने अपना फर्स्ट चैलेंज पढ़ा विच वॉज यूनिटी और डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया अब सेकेंड चैप्टर में हम अपना सेकेंड चैलेंज पढ़ेंगे कि हमने डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश किया ठीक है और थर्ड चैप्टर में अपने थर्ड चैलेंज को पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ ऑल समझे बात तो तीनों चैप्टर्स तीन चैलेंजेस के बारे में बताते हैं चलो अब एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वन पार्टी यहां पे कौन सी है कांग्रेस पार्टी ठीक है चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड Our Constitution was signed and adopted on 26 November 1949 ट गवर्नमेंट uh, जो कि लोगों ने नहीं चुनी थी ठीक है इंडिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट होते हैं है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजिडेंट इज दफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट राइट एंड डेमोक्रेसी का पात हमने चुना ठीक है अब भाई पहले हमें अपने फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इलेक्शन कराने थे राइट right? जिससे जो हमारी फर्स्ट uh, गवर्नमेंट है वो चुनी जाएगी सो so, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया जनवरी 1950 में राइट right? देखो जब भी गवर्नमेंट को कोई काम करना होता है ना वो एक कमीशन बनाती है राइट right? जिसमें वो स्पेशलाइज्ड स्टाफ uh, uh, डालती है जो कि काम करेगा इसको लेके जैसे पहले स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बना 1950 जनवरी में ठीक है कौन थे अब इलेक्शन uh, कमीशन के ना तीन मेंबर्स होते हैं ठीक है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर ठीक है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले वो थे सुकुमार सेन ठीक है सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट

अच्छा अब भाई पहले इलेक्शंस जो है इंडिया में होने थे ठीक है जी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उठ के आई व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टेड फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया भाई सबसे पहला चैलेंज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की भाई कोई भी इसमें जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि बाउंड्रीज को फ्रेम करना था कि भाई कौन से एरिया में कितनी, कौन, कौन सी में कितने एरिया आएंगे राइट सो डीमार्केशन ऑफ इलेक्टोरल रोल बोलते हैं वो भी प्रिपेयर करनी थी ठीक है जी ऑफिसर्स को ट्रेन करना था कि कैसे जो है इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे पोलिंग स्टाफ जो वहां पे मौजूद होगा उनको कंडक्ट करना उनको ट्रेन करना था एंड भाई कैसे वोटिंग की जाए एक इलिटरेट कंट्री में जहां पे भाई बहुत सारे जो कितनी परसेंटेज थी फटाफट फड़ से बताओ ओनली डैश परसेंटेज ऑफ वोटर्स वर लिटरेट फटाफट से बताइए क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी तो ऐसा एक वोटिंग का सिस्टम ढूंढना था जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सके राइट देर वॉज फिफ्टीन परसेंट लिटरेसी इन इंडिया एट दैट टाइम राइट बहुत अच्छे सो द प्रॉब और इसी वजह से डिले हो गया इलेक्शन कंडक्ट कराने में ठीक है बहुत अच्छे द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर टू इनको हम 1952 के elections बोलते हैं क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में जनवरी नाइनटीन फिफ्टी टू में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे इज इट क्लियर एवरी वन चलिए बहुत अच्छे आगे चलते हैं वन पार्टी डोमिनेस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन तो भाई पहले तीन जो इलेक्शंस हुए ना अब भाई हर पांच साल में इलेक्शंस होते हैं तो पहले 1952 में हुए फिर कब होंगे फटाफट से बताओ इलेक्शंस ऑफ 1957 और फिर 1962 सिक्सटी टू डी वो द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस ठीक है अब इन तीनों इलेक्शंस में ना एक ही पार्टी है जिसने डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स को विच वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है चलिए दिस वॉज नोन एज द कांग्रेस सिस्टम इस डोमिनेंस को बोला गया है कांग्रेस सिस्टम uh, uh, नहीं इस डोमेंस को नहीं असल में कांग्रेस सिस्टम का मीनिंग है कि कांग्रेस जो है वो रूलिंग पार्टी भी थी और ऑपोजिशन पार्टी भी थी राइट right? उसके अंदर ही उसकी ऑपोजिशन थी क्यों क्योंकि वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन था और साथ में डोमिनेंट पार्टी थी इसको कंबाइन करके बोला जाता है कांग्रेस सिस्टम समझे बात हाँ या ना इज इट क्लियर एवरी वन बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए सो वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज को कंपेयर करते हैं राइट right? ये जो हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन का टॉपिक आता है भाई इंडिया में और बाकी कंट्रीज की वन पार्टी डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है जब हम और कंट्रीज की बात करते हैं ना तो वहां पे ना जो डोमिनेंस है एक पार्टी की वो सबसे पहले नॉन डेमोक्रेटिक कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी यानी कि नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू आती है ठीक है दूसरी चीज क्या है भाई कि आ, वहां पे केवल वन सिंगल पार्टी सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम है ही नहीं राइट सो ओनली वन पार्टी अलाउड इन कंट्रीज लाइक चाइना क्यूबा एंड सीरिया द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली पार्टी टू रूल द कंट्री राइट वन पार्टी स्टेटस वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ इसीलिए यह बहुत बड़ी बात थी राइट right? चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपका यहां पर आ गया वॉट वर द रीजन ऑफ कांग्रेस इज डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर क्या वजह थी जिस वजह से तीन शुरुआती जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने डोमिनेट किया सबसे पहली थी दैट इट इनहेरिटेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट राइट सो इट इनहेरिटेड द लेगसी इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना क्योंकि कांग्रेस इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम से एक्टिव थी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कांग्रेस के लीडर्स फोर फ्रंट में थे तो लोग जो हैं उनसे रिलेट कर पा रहे थे दूसरी चीज उसमें इट वाज ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री ऑलरेडी रूट लेवल तक जो है उनका स्प्रेड था अक्रॉस ऑल द सोशल ग्रुप्स

उसके बाद भाई कांग्रेस का जो नेचर था इट वाज कोएलिशन लाइक रेनबो है ना जिसमें अलग-अलग तरीके के आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स सब कुछ सबको इन्वॉल्व करते थे और इनको क्या बोला जाता था फैक्शंस बोला जाता था विद इन द कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अंदर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी जगह दी गई थी राइट सो कोएलिशन लाइक स्ट्रक्चर राइट नंबर 6 ये रहा सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन जो है उसमें हर कोई चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो पेजेंट हो मिडल लोअर अपर क्लास सबको जो है इन्वॉल्व किया गया था राइट बहुत अच्छे एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी यहां पे बता दी है बहुत अच्छे अब बात करते हैं इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज की इन द नाइनटीन डेकेड

आ, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में क्योंकि वो रूलिंग पार्टी पे चेक रखती है उसको पॉइंट आउट करती रहती है उसकी गलतियों के लिए राइट इस वजह से जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो जिंदा रहता है और हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रहता है कि चलो भाई अगर इस पार्टी को नहीं जिताना तो दूसरी पार्टी को हम जिता सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं मेजर पोलिटिकल पार्टीज ओके, okay, so जो आपकी एनसीईआरटी में बॉक्स है पार्टीज के वो आप सभी को पढ़ के जाने हैं बच्चा वी टॉक अबाउट सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनसंघ ये तीनों पार्टीज के बॉक्सेस आपको करके जाने हैं ठीक है चलो सो so, एक बार टेबल देख लेते हैं हाँ ये तीनों पार्टीज हैं बहुत अच्छी टेबल है का, काफी हेल्पफुल है तो सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में बनी इट वॉज अ ग्रुप विद द कांग्रेस कांग्रेस के अंडर थी ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ठीक है फिर सेपरेट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी बन गई 1948 में ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की कौन से लीडर्स हैं जे पी नारायण अशोक मेहता एस एम जोशी एंड राम मनोहर लोहिया ठीक है दीज आर द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी मेजर पॉलिसी पॉलिसीज क्या थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज इट क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीडर्स पूछ लिए जाते कौन सी पार्टी के कौन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं 1935 में बनी कांग्रेस के अंदर ही एक फैक्शन था यानी कि ग्रुप था 1941 में सेपरेट हो गई कांग्रेस से ठीक है लीडर्स कौन है ए के गोपालन पीसी जोशी एंड अजय घोष क्या इनकी जो है आइडियोलॉजी थी स्टेट कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन भाई कम कम्युनिस्ट है ना यानी कि स्टेट का रोल ज्यादा हो गवर्नमेंट का रोल ज्यादा हो सपोर्ट ऑफ लेबर राइट्स एंड इंटरेस्ट जो लेबर प्रो पुअर पीपल है उनका साथ देना वर्कर क्लास का एंड देन वी लीडर्स कौन कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलराज मधोक एंड दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ की क्या आइडियोलॉजी है वन कंट्री अखंड भारत पे इन्होंने एम्फोसाइज कि, किया कि भाई एक कंट्री एक कल्चर और एक नेशन होना चाहिए राइट एंड द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रोंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन यूनाइटेड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस क्लियर इसमें हिंदुत्व मत लाना हिंदुत्व बीजेपी का है ये भारतीय जनसंघ का है ठीक है बच्चा बिल्कुल भी इसमें हिंदुत्व को मत घुसाना फाइन बहुत अच्छे चलिए इधर स्टडी मटेरियल में तो इस चैप्टर के लिए इतना ही दिया है बट हम एडिशनल पॉइंट्स कर लेते हैं रिवाइज फटाफट से एक सेकेंड दे वो मुझे जस्ट एक बार जो है 57 के इलेक्शन का रिजल्ट है ना 57, नहीं 57, सेवन 57 फिफ्टी इलेक्शन रिजल्ट्स में एक्सेप्शन हमारे पास कौन सा आता है केरला का ठीक है वो देख लेंगे कम्युनिस्ट विक्ट्री जो होती है केरला में है ना एंड इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी सीधा हम चैप्टर टू के बाद ना कंटिन्यू करेंगे अपने इलेक्शन वाले चैप्टर्स के साथ ताकि फ्लो बना रहे इलेक्शन का तो आप ईयर के साथ जैसे 52 ठीक है 57 और 62 तो यहाँ पे लिखते जाइए कौन कौन जीता था कांग्रेस कांग्रेस और साथ में वोट्स लिखते जाइए ठीक है जो परसेंटेज हमें बुक में गिवन है ऐसे करके एक टेबल बना लेंगे सभी राइट प्लीज मेक अ टेबल ताकि आप कंफ्यूज ना हो बहुत फायदा रहेगा इस चीज़ का जो परसेंटेज ऑफ वोट्स अपने मेंशन है बुक में राइट right? उन सबको लेके एक टेबल बना लीजिए एंड आगे जब हम कोलिशन पढ़ेंगे फिफ्टी सेवन में कम्युनिस्ट विक्ट्री जो है वो मेंशन कीजिए फाइन फिर चलते हैं आगे चलिए आई होप दिस इज क्लियर टेबल जरूर बना ले ली, बना लीजिएगा काफी हेल्प करेगा ये एंड तक ठीक है आगे चलते हैं अभी ना पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को छोड़ते हैं और इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन को भी अभी छोड़ के आगे इलेक्शन वाले ही चैप्टर हम करेंगे सीधा चलते हैं चैप्टर नंबर फाइव पे ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे कांग्रेस वाली ठीक है वो वाले भी अभी एंड एंड कवर कर लेंगे अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम अब क्या होता है शुरू के तीन इलेक्शंस 62 तक कांग्रेस जीतती जाती है कांग्रेस सिस्टम बना होता है लेकिन फिर क्या होता है देखिए जरा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल सक्सेशन की तो भाई जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर हो जाते हैं मे 1964 में जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं प्राइम मिनिस्टर और वो 1966 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं लेकिन क्या होता है विद इन टू इयर्स शास्त्री जी भी एक्सपायर हो जाते हैं ड्यूरिंग द ताशकेंद अग्रीमेंट जो ताशकेंद अग्रीमेंट था ना इंडिया और पाकिस्तान का तो टेंथ जनवरी 1966 में शास्त्री जी के भी एक्सपायर uh, हो जाते हैं तो बैक टू बैक दो बार जो लीडर है वो विद इन टू इयर्स वापस से पॉलिटिकल सक्सेशन का क्वेश्चन उठ उठ जाता है कि भाई आफ्टर शास्त्री हु राइट क्लियर फिर क्या होता है कंपटीशन होता है मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के जिन्हें सिंडिकेट बोलते हैं वो सोचते हैं कि यार इंदिरा गांधी आ, क्योंकि एक तो भाई विमेन है दूसरी बहुत ज़्यादा नाइव है न्यू है पॉलिटिकल फील्ड में तो अगर हम इसे बता बना देंगे तो ये हमारी ही सुनेगी और सारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहेगा तो वो क्या करते हैं इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं राइट right? इनएक्सपीरियंस uh, थी इंदिरा गांधी तो उन्हें लगता था कि हमारी जो है हम पे डिपेंडेंट रहेगी डिसीजंस लेने के लिए राइट सो फाइनली आफ्टर शास्त्री इंदिरा गांधी 1966 में जो है प्राइम मिनिस्टर बनती है एंड एक पीसफुल मैनर से ये जो ट्रांजिशन है ट्रांसफर ऑफ पावर है वो हो जाता है राइट right? बहुत अच्छे आगे देखिए अब बच्चा चलते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई इज दिस इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी से पहले तो वो सारे लीडर्स थे कांग्रेस के फेस पे जो कि नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों ने देखे थे जवाहरलाल नेहरू राइट उसके बाद शास्त्री अब क्या है पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है कांग्रेस इलेक्शंस में उठेगी राइट तो फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में होते हैं इनको पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरह टर्म किया जाता है सो so, क्यों हिला डाला ना वही वही वाला सीन हो जाता है दिस केम टू बी अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों क्योंकि uh,

भाई इन सालों में जो है मॉनसून का फेलियर हुआ बारिश नहीं हुई ड्रॉट हुआ फूड की कमी हुई राइट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे ख़त्म हो गए एक्सपोर्ट्स कम हो गए मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया वॉर्स के कारण से तो एक इकोनॉमिक एक क्राइसिस जो है कंट्री में राइज अप हो गई राइट फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो भाई जो अपोजिशन पार्टीज है वो चुप थोड़ी बैठेंगी वो भी आवाज़ उठाने लगी अगेंस्ट द गवर्नमेंट और लोगों को जो है और ज़्यादा अवेयर करने लगी अबाउट द कंडीशन इन द कंट्री क्लियर एवरी वन हा ठीक है तो भाई चेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन हमने देख लिया फिर फोर्थ जनरल इलेक्शन हमें देखे इसको जो है जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हुई उसको क्या बोला जाता है नॉन कांग्रेसिज्म राइट तो नॉन कांग्रेसिज्म पेज नंबर सेवेंटी एट आ जाओ अपनी एनसीआर में यहाँ पे द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म राइट इसका क्या मीनिंग था कि जो सारी एंटी कांग्रेस पार्टीज हैं वो सब साथ में आ जाएं राइट एंड अपोज करें पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिविजन ऑफ देयर वोट्स केप द कांग्रेस इन पावर तो सब ने साथ में आके नॉन कांग्रेसिज्म किया एंड उसके खिलाफ मतलब नॉन कांग्रेसिज्म इसको बोला जाता है सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलके प्रोटेस्ट करने लग रही हैं अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वाज़ गोइंग ऑन ठीक है और नॉन कांग्रेसिज्म क्या बोलता है दैट कांग्रेस रूल वाज़ अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल Therefore, जब नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आ रही हैं तो वो क्या बोल रही हैं कि हम आपके लिए वापस से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कांग्रेसिज्म क्लियर किसने टर्म दी नॉन कांग्रेसिज्म? फटाफट से चैट में बता दो हु दिस टर्म चलिए बहुत अच्छे राम मनोहर लोहिया बहुत अच्छे कांग्रेस स्प्लिट से पहले जो एक अच्छा ये रहा ना सारा ठीक है ऑर्डर थोड़ा सा यहां हिला हुआ है और कुछ नहीं है फाइन ठीक है तो ये रहा जो मैंने डिस्कस किया था आपसे को डेंजरस डेकेट बोला गया क्यों भाई यहां पे बैक टू बैक टू वॉर्स हुई इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना ठीक है भाई फिर मानसून भी फेल हो गए फूड क्राइसिस हुए ड्रॉट हुआ इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी हो गई बेरोजगारी बढ़ गई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे राइट साथ में दो बार जो है लीडरशिप भी चेंज हुई राइट नॉन कांग्रेसिज्म जो सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं वो साथ आई उन्हें ये रियलाइज हुआ क्योंकि हमारे वोट्स बट जाते हैं और कांग्रेस इकट्ठे वोट्स ले आती है इसीलिए वो जीत रही है राइट दे ऑल केम इन द फोर फ्रंट एंड उन्होंने आवाज उठाई एंड दिस स्ट्रैटी वॉज गिवन द नेम नॉन कांग्रेसिज्म बाय राम मनोहर लोहिया राइट बहुत अच्छे इसके बाद बच्चा टॉपिक आता है हमारा कोलिशंस का ठीक है कोलिशंस का कोलिशन यानी कि जब टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट

पंजाब में जो है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट इसको बुलाया गया था सो so, नाइनटीन से फिनोमेन ऑफ कोलिशंस जो है थोड़ा सा चालू हुआ एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है वो है हमारा डिफेक्शंस का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शंस जब एक जो लीडर uh, है वो फॉर एग्जाम्पल बीजेपी से खड़ा होता है बीजेपी के सिंबल पे इलेक्शन जीतता है और फिर जब वो जीत जीत जाए उसके बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता है कांग्रेस में सो दिस इज नोन एज डिफेक्शंस वेन अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव विन्स द इलेक्शन ऑन द इलेक्शन सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी बट चेंजेस द पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस राइट इसमें सबसे फेमस क्या है आया राम गया राम ठीक है आया राम गया राम का एग्जाम्पल देंगे ठीक है चौदह दिनों में फोर्थ नाइट में जो है तीन बार पार्टी राइट बहुत अच्छे परफेक्ट चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस अब क्या होता है भाई कांग्रेस के टुकड़े हो जाते हैं कब भाई देखिए सो so, अब बात चलती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है ना वो आ, डायरेक्टली हम वोट नहीं करते ठीक है वो एम एल एज और एम वोट करते हैं जो प्रेजिडेंट बनता है उसके लिए तो भाई प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होते हैं कौन से साल में नाइनटीन सिक्सटी नाइन में ठीक है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में मैं बोर्ड पे लिख के समझा देती हूँ इससे अच्छा तो सो so, 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो कौन थे नीलम संजीव रेड्डी ठीक है एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए जो कि इंदिरा गांधी जिनको सपोर्ट कर रही थी वीवी गिरी ठीक है क्लियर सो ऑफिशियल कांग्रेस के एन संजीवा रेड्डी थे बट इंदिरा गांधी जिनको सपोर्ट करती वो थे वीवी गिरी और उनको उन्होंने बोला आप जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़े होइए, ठीक है एंड अल्टीमेटली वीवी गिरी जीत जाते हैं राइट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं क्लियर फिर इसके बाद जो है सिंडिकेट और इंदिरा गांधी uh, में फाइनली जो है स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में ठीक है कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ओल्ड जिसको हम कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं एंड कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्वेसिशनिस्ट ठीक है जी क्लियर बहुत अच्छे सो दिस वाज अबाउट द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस जहां भी आएगा तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करेंगे क्लियर एवरीबडी इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेजिडेंट कौन थे हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एट दिस टाइम बताइए

बहुत अच्छे परफेक्ट एवरी वन चलिए आगे चलते हैं तो 67 का इलेक्शन एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था नौ स्टेट्स में कांग्रेस हार गई थी है ना राइट right? क्योंकि दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू जो इलेक्शंस में कांग्रेस खड़ी हो रही थी राइट right? तो अब आते हैं इलेक्शंस ऑफ 1971। 1971 इलेक्शंस में भाई इंदिरा गांधी ठान लेती है कि मैं तो विक्ट्री दिला के ही रहूंगी तो भाई फाइनली जो है इंदिरा गांधी स्लोगन निकालती है गरीबी हटाओ का ठीक है द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पावर्टी क्लियर फाइन एवरी ठीक है जी तो अब हम देखेंगे कि 71 के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है <coughs> चलिए हाँ सिंडिकेट वाला बॉक्स देख लीजिए जरा सिंडिकेट में कौन कौन से लीडर आते थे यू शुड नो टू मार्कर में पूछा जा सकता है और मुझे लग भी रहा है कि आएगा इस साल सो अ ग्रुप ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लीडर्स विद इन द कांग्रेस हु वर इनफॉर्मली कॉल्ड सिंडिकेट राइट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था ये जो कि पॉलिसीज जो डायरेक्ट करता था कांग्रेस की ठीक है तो सिंडिकेट लीडर्स और उनकी स्टेट्स बताई गई है मैप पॉइंटिंग में काम आ सकती हैं के कामराज फ्रॉम मद्रास एस के पाटिल फ्रॉम बॉम्बे एस गप्पा फ्रॉम निजालिंग यानी कि कर्नाटका एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश एंड अतुल्या घोष वेस्ट बंगाल क्लियर एवरी वन या ना सभी को समझ में आई बहुत अच्छे ओके okay. ये प्रेजिडेंशियल इलेक्शन एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस है जो हमने पढ़ा राइट डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो खाली हो गई तो दो कैंडिडेट्स नीलम संजीव रेड्डी एंड वीवी गिरी को नॉमिनेट किया गया जिसमें से इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया वी वी गिर को एंड वो इलेक्शंस जीत गए अब जब वी वी गिर इलेक्शन जीत गए तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस आर जो है कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट एस्टैब्लिश करी और उसको बोला कि हम हैं रियल कांग्रेस और सिंडिकेट्स ने अपनी कांग्रेस को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया ठीक है बहुत अच्छे अब एक और जो इशू आता है वो है प्रीवी पर्स का इशू प्रीवी पर्स का मतलब क्या है जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना जिनके बारे में हमने पढ़ा तो जब उनको हमने बोला कि आप इंडियन यूनियन का पार्ट बने तो हमने एक प्रॉमिस किया था कि जो आपकी फैमिली है है ना उनको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने देंगे जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वी विल अलाउ एंड आपको स्पेशल अलाउेंसेज दिए जाएंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको स्पेशल अलाउेंसेज देगी जैसे पेंशन देती है ना आ, वैसे ही ठीक है सो बोथ दीज प्राइवेट वेल्थ एंड अलाउंस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ भाई जितनी पावरफुल वो प्रिंसली स्टेट है उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा और आ, हम आपको रेगुलरली ये देंगे राइट right? इसको बोला गया था प्रीवी परसन दिस वॉज अ प्रोमिस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू द प्रिंसली स्टेट समझे बात क्लियर एवरीवन तो भाई इस चीज़ को लेके ना बहुत सारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो बोलते थे कि ये जो है इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और इसको हटा देना चाहिए एंड जवाहरलाल नेहरू भी ना खुश थे इससे राइट right? चलो तो भाई इंदिरा गांधी पॉइंट प्रोग्राम टू रीगेन द लैंड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शंस तो भाई क्या-क्या किया इंदिरा गांधी ने टू सिक्योर विक्ट्री इन वन इलेक्शंस एक तो भाई गरीबी हटाओ का नारा निकाला ठीक है दूसरी चीज टेन पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें जो है बैंक को नेशनलाइज किया गया गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन किया गया लैंड रिफॉर्म्स निकाले गए राइट तो काफी सारी वेलफेयर एक्टिविटीज करी ताकि लोग जो है उन्हें वोट दें अब भाई ऑपोजिशन ने क्या किया 71 के इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन ने एक ग्रैंड अलायंस बना लिया यानी कि वो सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ मिल गई उन्होंने एक अलायंस बना लिया नोन एज द ग्रैंड अलायंस ताकि उनके वोट्स जो हैं वो डिवाइड ना हो वो प्लस हो जाए सो इन ऑर्डर टू डिफीट इंदिरा गांधी इन द इलेक्शंस ऑफ 1971 नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज भाई नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज क्यों है कम्युनिस्ट पार्टी इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं है फटाफट से बता दो चैट में क्विकली क्यों क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस था तब ठीक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस का तब अलायंस था तो सो ऑल द नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज साथ में आई और ग्रैंड अलायंस बना लिया ठीक है इंदिरा गांधी ने पॉजिटिव प्रोग्राम निकाला गरीबी हटाओ का उस ऑन दी अदर हैंड उल्टे में ग्रैंड अलायंस ने क्या निकाला प्रोग्राम इंदिरा को हटाओ इंदिरा हटाओ का ठीक है इंदिरा गांधी इंसिस्टेड ऑन द अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स एक और चीज निकाल दी इंदिरा गांधी ने बोला अगर मैं पावर में आ गई मैं प्रीवी पर्स को हटा दूंगी लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए ठीक है रिजल्ट्स क्या रहे 1971 के अपनी टेबल में लिख लो कांग्रेस आर और सीपीआई का लायंस 375 सीट्स जीता राइट कांग्रेस अलोन 352 सीट्स जीती ठीक है कांग्रेस ओ जो ओल्ड कांग्रेस ही सोलह सीट जीती और ग्रैंड अलायंस तो लेस देन फोर्टी सीट्स जीती तो वापस से कांग्रेस सिस्टम वाज बैक फाइनली क्या होता है कांग्रेस की जीत होती है और ये तो इतनी बड़ी जीत थी जो कि अब तक जो हमारे शुरू के तीन इलेक्शन थे उसमें भी नहीं हुई थी राइट right? सो so, क्या हुआ कांग्रेस सिस्टम वापस से रिस्टोर हो गया कांग्रेस सिस्टम रिस्टोरेशन राइट एवरीबडी हाई या ना नाउ द कांग्रेस पार्टी वॉज इंटायरली बेस्ड ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर इंदिरा गांधी ठीक है द कांग्रेस वॉज नो लॉन्गर अ पार्टी ऑफ डाइवर्स ओपिनियन और इंटरेस्ट अब वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन नहीं था राइट Uh, और ये जो पार्टी है डिपेंडेड ऑन सम सोशल क्लासेस लाइक पुअर वीमेन दलित ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटीज इंदिरा गांधी रिस्टोर द कांग्रेस पार्टी बट चेंज द नेचर ऑफ कांग्रेस सिस्टम तो ये है जो लास्ट वाला अपना रिस्टोरेशन वाला टॉपिक है ना इस चैप्टर का ये वाला रिस्टोरेशन ये वाला ठीक है कि कांग्रेस को रिवाइव कर लिया था राइट right? बट अलग तरीके से नाउ इट वाज़ नॉट दैट पुरानी वाली कांग्रेस जहाँ पे अलग अलग पार्टीज uh, हैं अलग अलग इंटरेस्ट हैं अलग अलग आइडियोलॉजी है राइट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी वाज आल्सो रिलेटिवली वीक पहले की तरह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था राइट द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम रिलेटेड टू इट वॉज दी ऑफ इंदिरा गांधी टू गेन राइट क्लियर एवरी वन तो इस तरीके से जो है कांग्रेस रिस्टोर कांग्रेस सिस्टम वापस से आ गया था यस yes, बहुत अच्छे क्लियर है सभी को हाँ या ना तो भाई हमने फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस देखे इस वाले चैप्टर में 67 का इलेक्शन देखा पॉलिटिकल पोलिटिकल और 1971 का इलेक्शन देखा जिसमें जीत हुई राइट ठीक है चलो बहुत अच्छे अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं ठीक है जिसमें हम द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर अब हम देखेंगे कैसे जो है सिचुएशन डाउनफॉल हो रही है नेगेटिव की तरफ जा रही है एमरजेंसी की बात करेंगे ठीक है चलिए ओके okay. तो पहले एमरजेंसी का मीनिंग बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमरजेंसी

अभी हम आगे चलते हैं और जानते कैसे जो है इमरजेंसी लगी बट उससे पहले हम बात करेंगे जो रीजन है बैकग्राउंड टू एमरजेंसी ठीक है कि क्या क्या हुआ क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार हैं जिस वजह से इमरजेंसी इंपोज करी गई तो सबसे पहले इकोनॉमिक रीजंस ये सब हेडिंग्स आप लिख लो ये आपके आंसर में काम आ सकती हैं राइट right? भाई इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंट्री की वो बहुत पुअर थी ठीक है जो स्लोगन था गरीबी हटाओ वो केवल एक स्लोगन ही था असल में कुछ हुआ नहीं बांग्लादेश क्राइसिस हो गई थी 1971 के इलेक्शंस के बाद जिसमें काफ़ी सारा पैसा जो है वो मिलिट्री और डिफेंस पे ही लग गया इस इस वजह से हैवी बर्डन आया इकोनॉमी पे हमें यूएस से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पड़ा ठीक है इसकी और भाई ऑयल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे इन्फ्लेशन महंगाई आ गई थी इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वेरियस आइटम्स का वो भी बढ़ गया राइट एंड भाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ थी वो भी काफ़ी लो थी प्रोडक्शन काफ़ी कम चल रहा था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी बेरोजगारी बढ़ गई थी जी राइट एंड गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्चा हो रहा था so, ये आगे देखिए uh, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स यहाँ पे बहुत सारे uh, जो हैं बड़े बड़े इश्यूज़ थे तो भाई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे गुजरात स्टूडेंट स्टार्टेड एजिटेशन यानी कि प्रोटेस्ट इन जनवरी 1974 अगेंस्ट दी राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ भाई की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो भी बहुत महंगा हो गया और करप्शन बहुत ज़्यादा है क्लियर तो जनवरी 1974 में गुजरात में मूवमेंट स्टार्ट होती है प्रोटेस्ट और मार्च में जो है बिहार में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट दी राइजिंग प्राइसिस ठीक है यही सब करप्शन uh, ये सब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं अब क्या होता है बिहार मूवमेंट में ना जयप्रकाश नारायण जो है वो लीडर leader, लीडरशिप कर लेते हैं दो शर्तों पे उन्होंने कहा मैं तभी इस मूवमेंट का हिस्सा बनूंगा जब आप ये दो शर्त, दो शर्तें मानेंगे पहली शर्त क्या है कि नॉन वायलेंट ये मूवमेंट रहने वाली है और ये एक हम इसको नेशन वाइड मूवमेंट बनाएंगे केवल बिहार तक रोक के नहीं रखेंगे ठीक है एवरीबडी फाइन सो ही टू डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू सेंस थ्रू टोटल रेवोल्यूशन तो टोटल रेवोल्यूशन की है, जो आइडियोलॉजी किसकी है जेपी नारायण की ठीक है बहुत अच्छे ही लेट संसद मार्च विद सपोर्ट ऑफ नोव कांग्रेस पार्टी एज जिसमें भारतीय जनसंघ कांग्रेस ओ भारतीय लोकदल एंड सोशलिस्ट पार्टीज आई थी तो इसको uh, हम uh, देखेंगे यहाँ इट हैज रिटर्न मार्च टू दई थिंक पार्लियामेंट मार्च टू पार्लियामेंट पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट राइट जो बुक में मैंशन है यहाँ पे हिंदी में लिखा है फाइन चलिए फिर भाई इंदिरा गांधी कॉल्ड द मूवमेंट इंस्पायर्ड पर्सनल एंटेगोनिज तो भाई इंदिरा गांधी ने बोला कि ये सब मुझे केवल पावर से हटाना चाहते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्लियर एवरी वन तो पहले हमने इकोनॉमिक रीजन पढ़े फिर गुजरात और बिहार मूवमेंट पढ़ी जो कि हो रही थी अब क्या हुआ इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी जुडिशरी के साथ जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट का चला था रिलेटेड टू पावर Balance, right? So the Supreme Court struck down provisions such as curtailment of fundamental rights by the government. ki bhai jo government hai wo kabhi bhi fundamental rights nahi छीन sakti Right to property, theek hai DPSP P को priority दी जाए fundamental rights के ऊपर ये सब मना कर दिया government ने, ठीक है? Government कह रही uh, Supreme Court ने. Fine, तो ये सारे decisions this was against the government. Clear? और भाई एक और चीज़ हुई कि जो आ, आ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे अपॉइंट होते हैं राइट जो सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस जज है उनको अपॉइंट किया जाता है लेकिन तीन जजेस की सीनियोरिटी को इग्नोर करके गवर्नमेंट ने जस्टिस ए एन रे को अपॉइंट किया क्यों भाई क्योंकि बाकी जो तीन जजेस थे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है जजमेंट uh, uh, सुनाए थे राइट सो दिस वॉज अनदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद जुडिशरी राइट एंड सबसे मेन बात क्या है भाई अभी जो हम देखेंगे मेन जो डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है किस बेसिस पे होती है क्यों होती है ध्यान दीजिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डेक्रेशन ऑफ एमरजेंसी तो 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ अलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी इीगल तरीके से इलेक्ट हुई हैं हर इलेक्शन इज बॉइल्ड यानी कि मायने नहीं रखता शी इज नॉट लीगली द प्राइम मिनिस्टर राइट ऐसा क्यों हुआ क्योंकि भाई uh, इधर मेंशन नहीं है क्या तो राज नारायण ने राज नारायण ने जो है हाँ राज नारायण जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड उन्होंने भी 1971 में इलेक्शंस लड़े थे तो उन्होंने एक पेटिशन इलेक्शन पेटिशन फाइल करी थी अलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसमें उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड होना चाहिए ऐसा क्यों होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान ना गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज करी थी ठीक है she has used the services of government in her election campaign jo ki जो nahi hota नहीं होता है right? Clear? fine samjhe baat समझे बात चलिए so, इसी सो इसीलिए अलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह decision निकाला fine तो क्या होता है भाई 24 जून को supreme court पे ये अपील पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि एक स्टे ऑर्डर लगाया जाए अभी स्टे ऑर्डर लगाया जाए court के डिसीजन पे राइट right? और जब तक ये आ, हम हम कोई डिसीजन नहीं दे देते यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे देता इंदिरा गांधी एक एमपी तो रहेंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेंगी लेकिन कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले सकती ये चीज़ बोल दी गई तो आप देख सक रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है बायस है गवर्नमेंट की तरफ ठीक है जी फिर क्या होता है 25 जून को जो है इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है 25 जून 1975 अंडर द लीडरशिप ऑफ अच्छा अरे ये क्या लिखा है इस पर अभी तो पच्चीस जून पे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है पहले यहाँ पे जेपी नारायण की जो वो है प्रोटेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे 25 जून 1975 जेपी नारायण के अंडर एक नेशन वाइड सत्याग्रह होता है जहाँ पे सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में डिमांड uh, करती है कि इंदिरा गांधी को जो है रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि उनका ये जो इलेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ठीक है फाइन तो दिस वाज अनदर रीजन बहुत लार्ज स्केल होने लगते हैं जयप्रकाश नारायण आर्मी पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉज को बोलते हैं कि आप कोई भी इनलीगल ऑर्डर ना मानिए क्योंकि आप ये जो ऑर्डर्स मान रहे हैं ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीडर से आ रहा है जो कि लीगली इलेक्ट नहीं हुआ है क्लियर फिर एज अ रिस्पॉन्स टू ऑल दिस क्या होता है एज अ रिजल्ट क्या करती हैं इंदिरा गांधी रात को 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 मिडनाइट मिडनाइट 25 जून 1975 की द प्राइम मिनिस्टर रेकमेंडेड द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, को बोलती हैं कि इमरजेंसी इंपोज करी जाए अंडर आर्टिकल 352 और बोला जाए इंटरनल डिस्टरबेंसेस के चलते हम इमरजेंसी लगा रहे हैं इंटरनल दो प्रोविजन्स होते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जब वॉर चल रही हो और एक होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस राइट विद इन द कंट्री जब कोई सिविल वॉर हो रही हो राइट सो एज अ रिजल्ट प्रेजिडेंट कौन थे फकरुद्दीन अली अहमद वो जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं रात के बारह बजे ऑन पच्चीस जून क्लियर ठीक है सो so, द फिर इसके तहत क्या होता है नाउ दीज आर द कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एमरजेंसी ध्यान दो जरा फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली जाती है ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इसको बोलो फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है न्यूज को बोला जाता है कि आप जो भी छापेंगे पहले हम चेक करेंगे इसको बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप प्रेस यानी कि मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी कि जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी केवल वही छपेगा ठीक है ओके okay, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है यानी कि अब जो सारा कंट्रोल है वो सेंटर के पास आ गया स्टेट्स के पास अब कोई पावर नहीं है ऑल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स वर इंटरेस्टेड इन यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल द फंडामेंटल राइट्स सारी जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वो भी सस्पेंड हो जाती है इमरजेंसी में और ऐसा ही हुआ राइट अब देखियो अब देखो, देखो यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस कैसे जो है लोगों ने रेजिस्ट किया इमरजेंसी को यानी कि अपना Uh, अपनी नाराजगी जताई राइट दैट दे आर नॉट रेडी टू गिव अप देर राइट देखिए जरा न्यूज पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्स मैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप बाई लिविंग ब्लैक न्यूज जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ हटाया होता था उनके न्यूज पेपर से वो उसको खाली छोड़ देते थे कॉलम को ताकि लोगों को समझ आ जाए यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था जो कि गवर्नमेंट ने हटा दिया है ठीक है मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम वो तो बंद ही हो गई रैदर दैन टू सबमिट टू सेंसरशिप ठीक है जी कन्नड़ राइटर शिव राम करंथ एंड हिंदू राइटर Uh, फरीश uh, फनीश्वर नाथ रेनू इन्होंने अपने पद्मा अवार्ड्स को जो है रिटर्न कर दिया गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट में राइट और जो अदर नोन राइटर्स थे उन्होंने भी अपने नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स को रिटर्न कर दिया राइट अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ दी ऑपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड अब ये वापस से कॉन्सिक्वेंस आ गए हैं बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया मैनी लीडर्स वेंट अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड यानी कि छुप गए द उंडमेंट बैंडी आर एस एस और जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया प्रोटेस्ट करना स्ट्राइक करना पब्लिक एजिटेशन करना सब कुछ बैन हो चुका था राइट द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग होता है कि अभी आपने कुछ गलत किया नहीं है बट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है एप्रीहेंशन है कि आप कुछ गलत कर सकते हैं जो कि क्राइम हो सकता है तो पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया तो इसके चलते बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था राइट right? क्लियर है बहुत अच्छे और क्या होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई जाती है इमरजेंसी के दौरान फोर्टी अमेंडमेंट जिसको बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है राइट इसमें भाई बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में देयर इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड उनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया ऐसा बोला गया कि भाई पाँच की जगह छह साल में इलेक्शंस होंगे राइट तो ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस लाए गए आप देख सकते हो कितना ज्यादा पावर का मिस किया गया ठीक है बहुत अच्छे अब चलते हैं लेसन फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या हमने सबक सीखा नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज हुई कि भाई इंडिया में जो है डेमोक्रेसी को हम आ, छीन नहीं सकते सो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन इन इंडिया इट वॉज रियलाइज दैट इंडिया कैन नॉट डू अवे कैन नॉट डू अवे विथ डेमोक्रेसी डू अवे यानी कि इंडिया से हम डेमोक्रेसी को नहीं निकाल सकते बाहर ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट लेसन ठीक है सेकेंड भाई जो एम्बिगिटीज uh, थी यानी कि जो डाउट्स थे जो अनक्लैरिटीज uh, थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजन वो हमें समझ में आई और उसको हमने ठीक भी किया फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में जो कि 1978 में लाई गई थी इसके चलते अब क्या चेंज लाया गया कि भाई इंटरनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम करी जा सकती है जब आर्म्ड रेबेलियन हो यानी कि फोर्स और वॉयलेंस का इस्तेमाल हो कंट्री में ठीक है एंड दूसरा जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो वॉर हो किसी के साथ ठीक है दूसरा कि भाई ये जो इमरजेंसी uh, है ये प्रेजिडेंट को इट इज एडवाइस टू द प्रेजिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द कैबिनेट राइट जो पूरा कैबिनेट है कैबिनेट मिनिस्टर्स uh, और प्राइम मिनिस्टर साथ में देंगे इस बार क्या हुआ था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो पता ही नहीं था केवल प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोल दिया था इज इट क्लियर बहुत अच्छे ओके सो द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज जो हमारे पास राइट्स थी फंडामेंटल राइट्स हमें उसका जो है वैल्यू का पता चला जब कुछ चीज़ें छिन जाती है तभी उनकी हमें पता चलती है कि क्या वैल्यू थी तो यही हुआ राइट right, कोर्ट्स जो हैं उन्होंने भी एक्टिव रोल लिया कि भाई जो सिविल लिबर्टीज़ हैं जो फ्रीडम्स हैं सिटीजन्स की उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए क्लियर बहुत अच्छे सो दीज वर द दैसन्स ऑफ इमरजेंसी इज इट क्लियर एवरी वन हाई या ना फटाफट फड़ से बताएंगे देखो, अब इसके बाद आएगा हमारा पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी 71 की के में क्या देखा था कांग्रेस जीत जाती है राइट गरीबी हटाओ वाला नारा अब हम देखेंगे कि 71 के बाद 75 में इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने और बहुत ज्यादा मिसयूज किया पावर का फिर 77 में अब इलेक्शंस होंगे जिसमें कांग्रेस हार जाएगी क्यों क्योंकि इमरजेंसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था सिटीजन्स पे राइट right, तो दो मिनट का वोटो ब्रेक लेते हैं और फिर नाइन्टी सेवन के इलेक्शन को देखते हैं चलिए जी 1977 के इलेक्शंस का रिजल्ट देखते हैं ओके, okay. तो भाई अब क्या होता है? In January 1977, the opposition parties together formed the जनता पार्टी पहले क्या बनाया था ग्रैंड अलायंस बनाया था इस बार जनता पार्टी बनाई ऑपोजिशन पार्टीज ने ठीक है कांग्रेस लीडर जगजीवन राम फॉर्म द कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी विच मर्ज विद जनता पार्टी राइट right? ठीक है तो भाई इसमें काफी सारी पार्टीज थी जनता पार्टी का हिस्सा राइट तो भाई 1977 में कांग्रेस पार्टी जो है केवल 154 सीट्स जीत पाती है और जनता पार्टी जो है वो 330 सीट्स जीत जाती है यानी कि जनता पार्टी की जीत होती है 77 के इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है लेस देन 35 परसेंट ऑफ वोट्स लाती है इतने सालों में सो इन जनता पार्टी गवर्नमेंट मुरारजी देसाई बन जाते हैं the prime minister clear morarji desai becomes the prime minister under the janata party government in 1977 clear ठीक है जी चौधरी चरण सिंह एंड जगजीवन राम बिकेम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये डिप्टी पीएम बन जाते हैं जनता अच्छा अब क्या होता है बच्चा ये जो जनता पार्टी है ना जीत तो जाती है लेकिन ये उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाती ठीक है तो काफी सारी क्या प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से जनता पार्टी का बार बार स्प्लिट हो रहा था डाउनफॉल हो गया था इट लैक एनी डायरेक्शन कोई डायरेक्शन नहीं था राइट right? Uh, कोई सिंगल लीडरशिप नहीं थे और कोई प्रोग्राम नहीं था जो कि यूनिक हो राइट सो जनता पार्टी लैक्ट डायरेक्शन लीडरशिप एंड प्रोग्राम इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो गिर रही थी बार बार मेजोरिटी वो नहीं ला पा रहे थे समझे बात भाई पहले इसमें क्या है देखो जरा पहले मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर राइट उसके बाद जो है यस yes. उसके बाद फ्रेश आ, उसके बाद चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट आई केवल चार महीने के लिए ठीक है तो काफी ज्यादा अनस्टेबल थी द गवर्नमेंट वॉज वेरी अनस्टेबल उसके बाद होते हैं नाइनटीन में लोकसभा इलेक्शन होते हैं बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू स्टे इन पावर तो नाइनटीन में इलेक्शन हो जाते हैं क्योंकि कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं थी फाइन सो so, uh, हम्म चलिए सो इन द 1980 लोकसभा लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस वापस से जीत जाती है एंड जो ओपोनेंट्स है वो हार जाते हैं कांग्रेस अगेन विंस बाय सिक्योरिंग 353 सीट्स और ऐसा क्यों होता है व्हाट इज द रीजन फॉर कांग्रेस इज विन अगेन इन 1980 ऐसा क्यों है भाई बताइए जरा क्योंकि जो जनता पार्टी जो जीती थी वो काफी अनस्टेबल थी और आपस में ही वो लड़ते रहते थे पावर के लिए राइट सो अनस्टेबल एंड कॉरल गवर्नमेंट्स आर बाय वोटर्स राइट दिस वाज अनदर लेसन क्लियर एवरीवन चलिए इसके बाद चलते हैं हम लेगेसी पे चलिए लेगेसी क्या है इसमें हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं जो भी हमने कांग्रेस के लिए पढ़ा राइट इट वॉज नॉट ओनली अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी बट द पार्टी सिस्टम हैड चेंज ड्रामेटिकली अब बहुत ज्यादा चेंज आ गया था पहले कांग्रेस एक अम्बरेला पार्टी थी जिसमें कोलिशन लाइक गवर्नमेंट कोलिशन था आइडियोलॉजिकल सोशल बट नाउ इट आइडेंटिफाइड इट सेल्फ विदर्टिकुलर आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी प्रो पुअर आइडियोलॉजी सोशल वेलफेयर की आइडियोलॉजी कांग्रेस में आ गई थी राइट अदर ऑपोजिशन पार्टीज रिलाइड मोर एंड मोर ऑन नॉन कांग्रेसिज्म उनके पास और कोई एजेंडा नहीं था केवल कांग्रेस को काउंटर करने का एजेंडा था दे ऑल्सो रियलाइज कि आ, हमें सबको साथ में इलेक्शन करना पड़ेगा तभी हम कांग्रेस को हरा सकते हैं राइट right? जिस वजह से 1977 में वो जीते जनता पार्टी गवर्नमेंट बना के राइट right? क्लियर बहुत अच्छे इन एन इनडायरेक्ट मैनर द ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट आल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑफ नाइनटीन सेवन एटलीस्ट पार्टली तो भाई हाउ डिड दीजन पहला रीजन था एमरजेंसी है ना कि जो एमरजेंसी का इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली फील हुआ था नॉर्थ इंडिया में और दूसरी चीज क्या है कि भाई जो बैकवर्ड uh, कास्ट का वे, वेलफेयर इशू था ना वो भी अब जो है काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा था पॉलिटिक्स को इसीलिए बैकवर्ड कास्ट ने जनता पार्टी को वोट दिया था सो दीज आर द टू रीजन फॉर द विन ऑफ जनता पार्टी इन नॉर्थ इंडिया ठीक है बहुत अच्छी वेरी गुड परफेक्ट आगे चलते हैं मंडल कमीशन इशू अभी हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है किसी को इधर कोई डाउट है सभी को समझ में आया क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर अब हम सीधा चलते लास्ट चैप्टर पे क्योंकि वो भी जो है रिलेटेड है इलेक्शन से ठीक है नाउ क्योंकि हमने सारे इलेक्शन वाले चैप्टर जो है कंटिन्यूटी में कर लिए हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो ठीक है तो अभी तक बच्चा हमने क्या पढ़ा फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन कांग्रेस सिस्टम था ठीक है उसके बाद 67 में पॉलिटिकल अर्थवेक आया काफी सारी स्टेट्स में कांग्रेस हार गई 71 में वापस से इंदिरा गांधी पावर में आ गई थी गरीबी हटाओ का नारा लाके ठीक है फिर 77 में कांग्रेस हार गई ड्यू टू एमरजेंसी राइट जनता पार्टी जीती लेकिन जनता पार्टी अनस्टेबल थी तो नाइनटीन में वापस से इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस जीत गए क्लियर फाइन सारे इलेक्शंस रिवाइज हो गए अब हम चलेंगे 1990 पे ठीक है क्लियर एवरीबडी यस और नो सभी को समझ में आया बहुत अच्छे क्विकली गिव मी अ थम्स अप फिर हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर एट को चलिए जी जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने बच्चा ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है दोनों बुक वन बुक टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वो आप फटाफट -फड़ से चैनल पे जाके देख ले थीके? जिसको भी क्वेश्चन आंसर्स जो भी पूछ रहा है चैट में ठीक है चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ओके अब हम चलते हैं कंटेक्ट ऑफ नाइनटीन पे तो बच्चा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइव डेवलपमेंट पांच चीजें हुई नाइनटीन नाइनटीज के दौरान विच वी आर गोइंग टू स्टडी ठीक है ये पूछ लिया जाता है सीधा सीधा वट व एक्सप्लेन एनी फोर और फाइव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम नाइनटीन एटी नाइन ऑनवर्ड्स ठीक है चलिए तो सबसे पहली जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है डेवलपमेंट यानी कि इवेंट कुछ हुआ When the decade of 80's, जब ये जो 80's वो खत्म हो रहे थे तो पांच डेवलपमेंट ऐसी हुई जो हमारी पॉलिटिक्स पे एक बहुत ज्यादा गहरा छाप छोड़ गई ठीक है सबसे पहली जो चीज हुई वो थी डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन ऑफ नाइनटीन एटी नाइन तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था नाइनटीन एटी में इलेक्शन हुए थे अब उसके बाद जो है इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस काफी ज्यादा विक्ट्री पाई थी 415 सीट्स जीत गई थी ठीक है लेकिन उसके बाद जब 1989 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस केवल 197 सीट्स जीत पाई यानी कि कांग्रेस हार गई डिफीट हो गया कांग्रेस का इन 1989 इलेक्शंस एंड फाइनली द मेन पॉइंट इज दैट द इलेक्शंस ऑफ 1989 एटी नाइन मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम सो विच ईयर मार्क ऑफ कांग्रेस सिस्टम ऑफिशियली अब कांग्रेस सिस्टम है वो खत्म हो चुका है कब 1989 में इज इट क्लियर एवरी वन येस और नो फटाफट से बताएंगे क्लियर चलिए However, उसके बाद कांग्रेस जो है 1991 के इलेक्शंस में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है और पावर में वापस आ जाती है लेकिन अब जो कांग्रेस सिस्टम था वो अब खत्म हो चुका था 1989 में ठीक है जी चलिए अब जो दूसरा इशू है वो क्या है राइज ऑफ मंडल इशू ठीक है मंडल इशू का राइज ये क्या है भाई जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है 1990 की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है ऑफ़ मंडल मंडल कमीशन, कमीशन राइट बनाया गया था कि जो भाई अद, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, राइट right? उन उनके ऊपर आप जो है अ, कुछ रिकमेंडेशन दीजिए स्टडी कीजिए कि क्या उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है इसको लेके दिस वॉज द मंडल इशू जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो दो इशूज हमारे ये हो गए चलिए नेक्स्ट इशू देखते हैं थर्ड इशू वॉज द असासीनेशन ऑफ राजीव गांधी राजीव गांधी का असासीनेशन हो जाता है इन मे नाइनटीन नाइनटी वन असासीनेशन यानी कि हत्या कर दी जाती है ड्यू टू पोलिटिकल रीजन ठीक है लेट टू अज इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अब चेंज हो जाती है कौन आते हैं राजीव गांधी के बाद फटाफट से कॉमेंट्स में बताइए अच्छा जी अब एक और डेवलपमेंट क्या है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स राइट सो द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, जिसको हम क्या बोलते हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जिससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ओपन हो गई थी राइट सो द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय वेरियस गवर्नमेंट्स वोज रेडिकली डिफरेंट नाउ अब जो है जिनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी बोला गया है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए गए और बच्चा जो फिफ्थ इशू है वो क्या है फिफ्थ इशू वॉज द बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या डिस्प्यूट ठीक है बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या डिस्प्यूट वॉज द फिफ्थ इशू ठीक है एवरी वन या ना बताइए बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए बहुत अच्छे नाउ वी हैव अ टॉपिक एरा ऑफ क्वाल तो भाई अब ना कांग्रेस सिस्टम खत्म होता है और एक एरा एक एरा यानी कि एक समय अब शुरू होता है क्वाल का सो so, भाई इलेक्शंस इन 1989 लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन अ मेजोरिटी फॉर एनी अदर पार्टी भाई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आ गई तो कोई एक सिंगल पार्टी जीत गई ऐसा नहीं हुआ भाई अब जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगे टू और मोर पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट राइट तो भाई नेशनल फ्रंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप्स तो भाई नेशनल फ्रंट जो है Which was of parties, उनको बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट से सपोर्ट मिला ठीक है क्लियर, ठीक है लेफ्ट फ्रंट में ना कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह आती हैं, ठीक है एंड इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली राइट बट बट ये जो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट है ना ये केवल जो है नेशनल फ्रंट को बाहर से सपोर्ट करे बाहर से यानी कि देखो पार्लियामेंट में आ, जब भी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है कुछ भी निकालती है तो वोटिंग होती है कि क्या ये पास होगा या नहीं राइट तो आ, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने कहा कि हम आपको आपके हर एक डिसीजन में सपोर्ट करेंगे हम वोट करेंगे आपके लिए मेजॉरिटी की भी जब आत, बात आई हम वोट करेंगे क्लियर तो इसको बोलते हैं सपोर्टिंग फ्रॉम दी आउटसाइड ठीक है कि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन ये इसको सपोर्ट करें नेशनल फ्रंट को आई बात समझ में हाँ या ना क्लियर सो so, ये क्या है 1989 का है फाइन इसको क्या बोला गया उस कार्टून में पपिट गवर्नमेंट राइट ये वाला जो हमारा कार्टून है ये इसी पे बेस्ड है क्लियर एवरीवन वन हाँ या ना मम्मी आ गई थी बच्चों <laughs> हाँ चलिए ठीक है तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म होती है चलिए अच्छा लिपसिंग भी तुम गैस कर रहे हो क्या बात है <laughs> क्या बात है यार <laughs> बच्चों तुम बहुत छाणे हो सब चलिए यहाँ तक पढ़ लिया तो नाउ आफ्टर 1989 द रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूल इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स राइट तो अब रीजनल पार्टीज यानी कि छोटी मोटी पार्टीज भी साथ में आके जो है पोलूशन गवर्नमेंट बनाती हैं राइट right? तो 1989 में हमने क्या पढ़ा नेशनल फ्रंट वॉज सपोर्टेड बाई लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी ठीक है अब उसके बाद देखिए उसके बाद बच्चा 1996 में यूनाइटेड फ्रंट आती है ठीक है यूनाइटेड फ्रंट अब उसमें क्या है इट वॉज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट बस एक चेंज आ गया है भाई यूनाइटेड फ्रंट जो है इसमें बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई है ठीक है बाकी सब सेम है तो नाउ पहले कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रखने की कोशिश थी नेशनल फ्रंट में अब यूनाइटेड फ्रंट में बीजेपी को पावर से बाहर रखने की कोशिश है जिसमें लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट कर रहे हैं समझ गए बात इन 1996 ये 1989 में है और ये 1996 में है इज इट क्लियर एवरीबडी हाँ या ना आई बात समझ में सभी को नेशनल फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की याद कर लो और केवल एक डिफरेंस है नेशनल फ्रंट में बीजेपी है यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस है राइट right? क्योंकि वो एक दूसरे को यहां कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रखा जा रहा है और यहां पे बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखा जा रहा है फाइन हाँ या ना बहुत अच्छे क्लियर बहुत बढ़िया सो इन द 1996 इलेक्शन द बीजेपी इमर्ज एज द जेस्ट पार्टी एंड वॉज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवेंट बट बीजेपी कु नॉट सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा बीजेपी तो लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन मेजोरिटी नंबर ऑफ जो सीट uh, है वो नहीं जीत पाई थी ठीक है चलिए तो उसके बाद देखिए हमने पढ़ लिया नाइनटीन नाइनटी सिक्स में फिर यूपीए यूनाइटेड uh, uh, वो फ्रंट बनता है ठीक है

तो दोनों ही इन टर्म्स में अटल बिहारी वाजपेयी वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है एनडीए टू दोनों ही और भाई एनडीए पूरे पांच साल जो है कंप्लीट फिर करें ये ध्यान रख लो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा जो ये मिस कर गया उसके पक्का से चार पांच नंबर जाएंगे ही जाएंगे यहां से हमेशा पूछा जाता है जो मैं अभी आपको समझा रही हूं क्लियर बहुत अच्छे फर्स्ट क्वालिशन गवर्नमेंट दैट सक्सेसफुलटेड फाइव ईयर टेन योर वॉज द एन डी ए गवर्नमेंट हेडेड बाई बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टू मार्क्स एम सी क्यू क्लियर एनडीए गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट थी जिन्होंने फुल टर्म कंप्लीट करी अंडर अटल बिहारी वाजपेई इन दर नाइनटीन नाइनटी नाइन फाइन अच्छा उसके अनदर क्वालिशन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायस यूपीए रूल्ड टू टर्म सक्सेसफुली राइट विच वॉज अंडर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014, हजार चौदह इज इट क्लियर एवरी वन हाँ या ना सभी को समझ में आया थोड़ा सा वापस से रिकॉल करते हैं मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा एक बार मैं देख लेती हूँ इन्होंने टेबल बनाई है या नहीं, नहीं बनाई है तो वी विल मेक द टेबल नहीं बनाई है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ना वो कोई नहीं करता है इजी ईजी सब कर लेते हैं चलिए फिर लेट्स मेक द टेबल आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे याद करने में ठीक है चलो mm. ठीक है चलिए अर दिख भी रहा है पार्टी दैट वन ठीक है क्लियर फटाफट से शुरुआत से अभी तक रिवाइज करेंगे जो हमने सारे इलेक्शंस के थ्रू पढ़ा है ठीक है तो भाई 1952 फिफ्टी टू 1957, 1962, कांग्रेस सिस्टम यस और नो फटाफट से सब बताएंगे चैट में फिर आता है हमारा 1967 पॉलिटिकल अर्थ को एक जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस जीती बट कम वोट्स के साथ नाइन स्टेट्स में कांग्रेस हार गई ठीक है क्लियर हाँ या याना चलिए उसके बाद 1971 पे चलते हैं गरीबी हटाओ लाए है ना पर्स की पिच करी 10 पॉइंट प्रोग्राम लाए एंड कांग्रेस जीत गई हा या ना राइट कांग्रेस वन इसके बाद क्या होता है जी 19, इसके बाद लग इमरजेंसी राइट right? तो नाइनटीन सेवेंटी सेवन में दिस वॉज रेफरेंडम टू एमरजेंसी यानी कि हम एमरजेंसी में जो हमारे साथ हुआ उसका रिस्पॉन्स देंगे जिस वजह से जनता पार्टी जीत जाती है है ना हाँ या ना बच्चा यस और नो सभी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे ठीक है जनता पार्टी विंस लेकिन अनस्टेबल होती है राइट तो 1980 में इलेक्शंस वापस से कराए जाते हैं जिसमें कांग्रेस वापस से जीत जाती है ठीक है क्लियर इंदिरा गांधी अब इसके बाद हमने लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं 1984 और 1989, है ना? 1984 में जीतती है कांग्रेस लेकिन 1989 में एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम हो जाता है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम फाइनली राइट एवरीवन? वन हाँ या ना बहुत अच्छे हम्म ठीक है 1991 में कांग्रेस जीत जाती है इंप्रूव कर लेती है अपनी पोजीशन क्लियर बहुत अच्छे आगे चलते हैं जो हमने पढ़ा उस पर 1989 में आता है नेशनल फ्रंट है ना सो so यहां पे इधर ही मैं लिखती हूं एक सेकेंड हम्म नेशनल नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी कब 1989 में राइट right एवरीवन बहुत अच्छे वेरी गुड ओके उसके बाद हमारा आता है यूनाइटेड फ्रंट इन 1996 Then we have 1996 United Front supported by Congress and Left Front, है ना जो हमने पढ़ा to keep BJP out of the power, right? Now we have 19 1990 हाँ अब NDA one और NDA two आएगी किसके अंदर आएगी? फटाफट से बता दो 1998 to 1999 एंड हमारा ये अक्टूबर 1999 से फुल टर्म ठीक है दिस वाज मे टू जून मे जून ठीक है अंडर अटल बिहारी वाजपेयी वेरी गुड अभी सबके लीडर्स के नाम भी लिखेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए फाइन बहुत अच्छे इसके बाद हमारी आती है 1999 के बाद वी हैव आर यूपीए ठीक है यूपीए हमारा 2004 से 14, नहीं हाँ फोर से नाइन और फिर नाइन से फोर्टीन है ना 2004 टू नाइन एंड देन टू टू फोर्टीन दिस इज आर यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अंडर मनमोहन सिंह अरे क्लियर एवरीबडी आई थिंक इससे क्लैरिटी एन में भी मिली होगी बता दो एक बार अब तो सभी को समझ में आ गया ये इलेक्शंस जिससे हम इतना डर लगता है कि पता नहीं यार क्या डाल दिया ये लास्ट चैप्टर में समझ में ही नहीं आ रहा है सभी को समझ में आया बताइए बच्चों हाँ यस yes, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया वेरी गुड ठीक है तो ये हमारी पूरी टेबल रेडी हो गई है शुरुआत से लेके एंड तक यहाँ पे लीडर जवाहरलाल नेहरू थे ठीक है जी फिर 64 से 66 तक शास्त्री थे फिर इंदिरा गांधी आ गई 66 के बाद ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया जनता पार्टी के कौन थे कौन बने जनता पार्टी के अंडर प्राइम मिनिस्टर अनस्टेबल गवर्नमेंट थी हम्म बताइए मुरारजी देसाई एंड उनके बाद कुछ महीने के लिए चौधरी चरण सिंह राइट क्लियर एवरी वन बहुत अच्छे क्लियर <coughs> उसके बाद वी हैव हाँ? वापस से कांग्रेस जीती इंदिरा गांधी आ, एक सेकंड मुझे वो निकालने दो लिस्ट वैन लीडर्स का एक बार फिक्स कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो 1980 और uh, 84 दोनों में इंदिरा गांधी 89 में इट वॉज राजीव गांधी विच है विच मेन्ट द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम नहीं 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 सॉरी यहाँ है राजीव गांधी राजीव गांधी 84 से हाँ 89 एट्टी फोर से एट्टी नाइन ठीक है फिर हमारे पास एट्टी नाइन में यहां पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के कौन है वीपी सिंह क्लियर ठीक है बच्चा फिर हमारे पास यहां पे पी वी नरसिम्हा राव ये लीडर्स के साथ पूरा आप लिस्ट बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो ठीक है बहुत इजी हो गया है ये राइट आगे हमने कर ही लिया है 1996 में ओ 1996 में वी हैव यूनाइटेड फ्रंट से उ, 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 इधर है ना चार्ट एच डी देवे घोड़ा आएंगे यूनाइटेड फ्रंट से एच डी देवे घोड़ा एंड आई के गुजराल बीच में इसमें था थोड़ा सा स्प्लिट और आई के गुजराल दो थे 1996 से 7 तक 97 तक एच डी गोड़ा और फिर 1997 से 1998 तक आई के गुजराल ठीक है क्लियर एनडीए वन एनडीए टू दोनों अटल बिहारी वाजपेयी एंड यूपीए मनमोहन सिंह फिर 2014 ऑनवर्ड्स एनडीए थ्री अंडर नरेंद्र मोदी क्लियर एनडीए थ्री एनडीए फोर अंडर नरेंद्र मोदी क्लियर एवरीबडी नाउ इज द एंटायर इलेक्शन पार्टीज विद लीडर्स सभी को समझ में आया हाँ या ना बताइए जरा यस एवरी वन बहुत अच्छे आपका ये वाला पूरा जो कंफ्यूजन है अब क्लियर हो गया है ठीक है ओके okay. ग्रेट ओके सो व्हाट वर द रीजंस फॉर द एमरजेंस ऑफ कोलिशियन गवर्नमेंट इन इंडिया व्हाई डिड वी नीड कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया क्योंकि भाई जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे कुड नॉट सिक्योर मेजॉरिटी दे वर वीक राइट इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देर इंक्रीजिंग रोल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ कास्ट एंड सेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटिस्टिक पॉलिटिक्स बिकॉज नो पार्टी कुड सिक्योर मेजोरिटी है ना सबसे मेन फैक्टर तो यह है भाई दूसरा क्या है कि रीजनल पोलिटिकल पार्टी जो है ना वो अब मेक और ब्रेक कर सकती थी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन एंड तीसरा है कि कास्ट और सेक्ट बेस्ड जैसे कि ओबीसीज का जो है राइट right, तो वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है तो वो यूज हो सकता है टू गेन वोट्स समझे बात चलिए अब बच्चा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी शैल स्टार्ट विद पोलिटिकल राइज ऑफ ओ एंड मंडल कमीशन ठीक है थोड़ा सा लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक 嗯嗯。<c oughs> चलिए ओके तो मंडल इशू पे मंडल कमीशन पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिक्स मार्कर क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान देना सभी ठीक है सभी लोग ध्यान देंगे वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज ओ बी सीज ठीक है एज अ पोलिटिकल फोर्स तो ओ बी सीज आर कम्युनिटीज अदर दैन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उतने ज्यादा ओ बी सीज की प्रेवलेंस नहीं है और सोसाइटी में भी बैकवर्ड स्टेटस है दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज बैकवर्ड कास्ट ठीक है इन 1978, द सेंट्रल गवर्नमेंट जनता दल अपॉइंटेड कमीशन यहां पे हम्म ठीक है 1978 में ठीक है तो यानी कि 75 के आपके इलेक्शन uh, uh, जो हुए थे जहां पे जनता पार्टी आई थी uh, उसकी बात हो रही है Uh, नहीं सेवेंटी फाइव कह दो में इमरजेंसी में कांग्रेस नहीं जीती थी जनता पार्टी जीती थी एंड उसमें फिर थोड़ी इंस्टेबिलिटी थी राइट सो सेंट्रल गवर्नमेंट जनता दल अ कमीशन एक कमीशन बनाया गया फिर से है ना टू इन्वेस्टिगेट जो कि जांच पड़ताल करे और रेकमेंड करे कि क्या तरीके हैं जिससे हम बैकवर्ड क्लासेस को एक बेहतर स्टेटस दे सकते हैं This was the second time since independence that the government had appointed such a commission. ठीक है तो ये दूसरा था commission uh, for the same issue. Therefore this commission was officially known as the second backward classes commission. लेकिन क्योंकि इनके chairman B.P. Mandal थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसीलिए इस commission को मंडल commission बोला गया. वैसे official name क्या था second backward classes commission. क्लियर एवरी वन कौन सी गवर्नमेंट ने जनता दल गवर्नमेंट ने 1978 में ये कमीशन अपॉइंट की इज इट क्लियर एवरी वन हाँ या ना चलिए अब देखो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंडल कमीशन आर इट्स रेकमेंडेशन फाइन कल आ सकता है मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा चांसेस हैं द मंडल कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड रेकमेंड टू आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस तो भाई क्यों सेटअप किया गया था कि इन्वेस्टिगेट करें कि भाई कितनी हद तक जो है एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है ओ की और कैसे हम इन क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किन तरीकों से ठीक है तो रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन क्या है नंबर वन रिकमेंडेशन है टू रिजर्व ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर ट्वेंटी रिजर्वेशन दी जाए ये रेकमेंडेशन थी दूसरी क्या है द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड अदर रेकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म्स एंड टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ ओबीसी और एक और इंपॉर्टेंट जो रेकमेंडेशन uh, थी वो ये थी

फिर भाई इन ऑगस्ट नाइनटीन नाइनटी देशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट दीज रिकमेंडेशन ऑफ मंडल तो भाई 1990 में अब जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन रेकमेंडेशन को लागू करने का बोलती है कि हम जो है इनको इंप्लीमेंट करेंगे फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ओ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग्स इस डिसीजन की वजह से बहुत ज्यादा जो है दंगे फसाद होने लगे बिकॉज सम पीपल वॉन्टेड ये नहीं होना चाहिए और जो ओबीसी हैं वो खुश थे कि ये होना चाहिए राइट सो दिस एजिटेशन प्रोटेस्ट होने लगे वायलेंट तरीके से फोर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे सिटीज में ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया और इस डिसीजन को चैलेंज भी किया गया इन द कोर्ट अंडर द इंदिरा सहानी केस इन नवंबर 1992 क्लियर एवरीवन बहुत अच्छे देर आर सम डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट द मैनर ऑफ इंप्लीमेंटेशन कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट किया जाए बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओ बी सीज इज़ बींग सपोर्टेड बाई ऑल मेजर पोलिटिकल पार्टी सारी पार्टीज इसको सपोर्ट करती हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए लेकिन जो तरीका है कि किस तरीके से होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इज इट क्लियर एवरी वन हाँ या ना तो क्वेश्चन उठ के आता है व्हाट वाज़ द मंडल कमीशन एंड व्हाट वाज़ इट्स रिकमेंडेशंस क्लियर एवरीवन वन हा या ना <coughs> सभी बताएंगे चलिए आगे चलते हैं ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द राइज ऑफ पॉलिटिक्स आइडेंटिटी भाई अब इसी वजह से सेक्युलरिज्म यानी कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन और डेमोक्रेसी के से रिलेटेड टॉपिक्स पे इसमें फोकस किया जाएगा तो भाई राइज ऑफ बीजेपी ठीक है यहाँ से आंसर बनता है इन 1980 भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म फ्रॉम जनसंघ भारतीय जनसंघ से ही टूट के स्प्लिट होके भारतीय जनता पार्टी बनी कब 1980 में ठीक है जी कौन सी आइडियोलॉजी को एम्ब्रेस करती थी सोशलिज्म सोशलिज्म यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल और गांधी जी के प्रिंसिपल्स नॉन वायलेंस इस सब पे ठीक है जी बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन इलेक्शन 1980, 84, 86 के इलेक्शन में सक्सेस नहीं मिली ठीक है जी फिर क्या हुआ 1986 के बाद से ना जो ये पार्टी है ये हिंदुइज्म हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स पे जो है आ, अपनी पॉलिटिक्स शुरू करने लगी एम्फेसिस देने लगी टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 एटी दैट बिकेम वेरी सेंट्रिक टू बीजेपी वो क्या है दो डेवलपमेंट्स 1986 की वेरी इंपॉर्टेंट सभी ध्यान देंगे एक है शाहबानो केस और दूसरा है बाबरी मस्जिद इशू ठीक है क्लियर चलिए द फर्स्ट केस इन फाइव द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अपोज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू टू हर शाहबानो फ्रॉम हर फॉर्मर मेरी आवाज चली गई है <laughs> तो देखो शाह बानो केस क्या है uh, हर एक रिलीजन का ना अपना एक पर्सनल लॉ होता है ठीक है जिसमें वो डिवोर्स uh, 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 ये सारा जो है उसके साथ डील करते हैं पर्सनल उसके साथ राइट right? ठीक तो है पर्सनल लॉ तो इसीलिए जो मुस्लिम्स का लॉ है चाहे वो इनहेरिटेंस का हो मैरिज का हो राइट right? आपका व्हेन वी टॉक अबाउट वी कैन सेव ये सारे जो पर्सनल इश्यूज़ हैं इसका अलग से हर एक रिलीजन का लॉ होता है तो मुस्लिम लॉ में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि भाई शाहबानों को मेंटेनेंस उसका हस्बैंड देगा तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स थे राइट जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने रिलीजन को लेके उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर में हमारे मुस्लिम लॉ में राइट तो इसको इंटरफेरेंस मानी गई थी इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ इसीलिए शाहबानो केस जो है वो इम्पोर्टेंट था राइट इसमें भाई जो है द कांग्रेस पार्टी पास द मुस्लिम विमेन एक्ट इन नाइनटीन एटी सिक्स फिर क्या हुआ? As a result, Congress ने Muslim Women Act 1986 निकाला ठीक जिस है? जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो judgment है, जिसकी वजह से मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स खफा हो रहे थे वो एकदम हटा दिया एंड इस एक्शन को बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया कि भाई Congress government, unnecessary जो कंसेशन है वो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे रही है और एक्स्ट्रा जाके सपोर्ट कर रही है सो दिस वाज़ द केस। इसके बाद चलते हैं सेकंड डेवलपमेंट पे। तो भाई फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फेब्री 1986 में एक ऑर्डर निकाला गया कि जो बाबरी मस्जिद है उसको खोला जाए उसको अनलॉक किया जाए वहां पे हिंदू को जो है ऑफ़र प्रेयर्स करनी है ठीक है इसीलिए बाबरी मस्जिद को खोला जाए ऐसा जो है एक ऑर्डर निकाला गया कब 1986 में ठीक है चलिए जैसे ही बाबरी मस्जिद के लॉक्स खोले गए दंगे शुरू हो गए भाई ठीक है मोबिलाइजेशन हैपेंड ऑन बोथ साइड्स हिंदूज और मुस्लिम स्टार्टेड वायलेंस अगेंस्ट ईच अदर राइट डिस्प्यूट ये जो है एक नेशनल क्वेश्चन बन गया और कम्युनल टेंशन कम्युनल यानी कि रिलीजियस बेसिस में टेंशन आ गई राइट right? बीजेपी ने पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए भाई मासिव एक मार्च निकाली रथ यात्रा ठीक है रथ यात्रा निकाली फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू तो अयोध्या एंड उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई यहाँ पे तो राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में ठीक है जी तब से चला आ रहा है ये चलो अब बन गया है नाउ फिर क्या होता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई ध्यान दो इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स मत होने देना ठीक है क्लियर एवरीवन फिर क्या हुआ सिक्स दिसम्बर नाइनटीन नाइन्टी टू में थाउजें ऑफ पीपल गैदर्ड एट अयोध्या एंड उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आया कि भाई हमने तो बोला था स्टेट गवर्नमेंट को कि ध्यान दें कुछ भी ये जो इशू है एस्किलेट नहीं होना चाहिए तो इसी लिए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस एक कमीशन बनाया जो कि इन्वेस्टिगेट करे कि भाई क्यों ये जो मॉस्क है डिमोलिश हुआ राइट मैनी पोलिटिकल पार्टीज काफ़ी सारी पोलिटिकल पार्टीज़ ने कंडेम किया यानी कि बोला कि बहुत गलत हुआ एंड उन्होंने डिक्लेयर किया एंड सबने यही बोला कि ये सेक्युलरिज्म यानी कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स के खिलाफ है ठीक है जी चलिए सो दिस वाज़ द बाबरी मस्जिद अयोध्या डिस्प्यूट फाइन ओके इन फेब्रुवरी मार्च सिमिलर वॉयलेंस कम्युनल लाइंस पे फिर से वॉयलेंस हुआ ब्रोक आउट अगेंस्ट मुस्लिम्स इन गुजरात सच वॉयलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज थ्रेड टू डेमोक्रेसी ये वाला कौन सा है कम्युनल वॉयलेंस इन गुजरात दो हजार में था ये दिस वॉज द बताइए फटाफट फड़ से जिनके पास ओल्ड एनसीआरटी है ओल्ड एन सी आर टी गुजरात रायट्स है ना ठीक है बहुत अच्छे चलिए आप चलते हैं लोकसभा इलेक्शंस 2004 पे ठीक है जी ओके 2004 say 9, UPA. in the election of 2004, Congress party itself made a big alliance government known as the United Progressive Alliance. This is the first time when Congress party could increase its number of seats in Lok Sabha since 1991. The decade of 90s is known for, for, for uh, known as four major groups of political parties: Congress as it, and its allies, BJP and its allies, the Left Fronts, and other parties. जनरल इलेक्शन फॉर सेवनटीन लोकसभा जो दो हजार उन्नीस में कांग्रेस आई दिस वॉज द एनडीए फोर ठीक है एनडीए फोर जैसा मैंने आपको बताया और इसको सरप्लस मेजोरिटी गवर्नमेंट भी बोलते हैं ट्वेंटी नाइनटीन वाली एनडीए को ठीक है चलिए एमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस लिख के ले लो एक ना एक सेट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा सिक्स मार्कर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है सभी को मैं ये बोल रही हूं प्लीज ध्यान देंगे राइट क्लियर एवरीबडी ये जो अपना लास्ट टॉपिक है लास्ट चैप्टर का एमरजेंस ऑफ अ न्यू consensus अच्छा नहीं ग्रोइंग कंसेंसस आएगा ये

राइट दस इवन एज पोलिटिकल पार्टीज एक्ट विद इन दर ऑफ दिस पॉप्यर मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर साइमल्टेनियसली ये कुछ नहीं है इसको हटाओ मेन है अपना पॉइंट दीज आर द्वार इनको रट लो इनको रट लो वो केवल एक ओवर व्यू था जो भी हमने पढ़ा ग्रोइंग कंसेंसिस कि भाई इतने वाद विवाद राइट right? इतनी प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सब ने टोटली totally अग्री करा है टोटल अग्रीमेंट कि जहाँ पे टोटल अग्रीमेंट है सब मान रहे हैं सो इन द मिस्ट ऑफ सीवियर कंपटीशन सीवियर कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कुछ चीजें हैं जिसपे सब ने अग्री किया है सारी ही पोलिटिकल पार्टीज ने सबसे पहली थी अग्रीमेंट ऑन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी राइट उसके बाद पॉइंट नंबर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ओ बी सी के इशू पे सभी ने अग्री uh, किया पॉइंट नंबर थ्री एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज भाई स्टेट लेवल पार्टीज का जो रोल है गवर्नमेंट को बनाने का है ना क्वालिशंस में उस पर एंड नंबर फाइव एम्फोसिस प्रैक्टिकल देन आइडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल आइडियोलॉजिकल अग्रीमेंट अब जो है सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे ध्यान देती हैं राइट आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल अलायंसिस विदाउट आइडियोलॉजिकल अग्रीमेंट पे ध्यान नहीं देती राइट नाउ एवरी बिकम मोर प्रैक्टिकल चाहे उनकी आइडियोलॉजी मैच हो या ना हो नाउ वेन इट आप सब हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसे आपका आंसर बनेगा इज इट क्लियर एवरी वन हाँ या ना सभी को समझ में आया जी एवरीबडी सभी बताएंगे बहुत अच्छे यस वेरी गुड परफेक्ट एवरी वन इसी के साथ लास्ट चैप्टर कंप्लीट होता है अब हमारे कौन से चैप्टर्स बाकी हैं कौन से चैप्टर्स बाकी हैं अब नाउ वी आर लेफ्ट विद आर चैप्टर नंबर थ्री पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट प्लानिंग लिख लेते हैं इसको है ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर फोर एक्सटर्नल रिलेशंस एंड चैप्टर सेवन आई थिंक विच इज योर रीजनल एस्पिरेशंस है ना ये तीन चैप्टर्स अभी हमारे बच्चे हैं वन शॉट में राइट एवरी वन बहुत अच्छे हाँ वो टू मार्क्स का चैप्टर है उसमें कुछ भी ज्यादा है नहीं फटफट से रिवाइज कर लेंगे नो इश्यूज मेजर अपने अब दो चैप्टर्स बाकी हैं एक्सटर्नल रिलेशंस और अपना रीजनल एस्पिरेशन्स ठीक है चलिए पहले कौन सा चैप्टर करें आप ही बता दीजिए ये तो टू मार्क्स का ये तो दो मिनट में कवर हो जाएगा इसकी कोई टेंशन नहीं है आप अपने को एक्सटर्नल और रीजनल जो है इस पर ध्यान देना है क्विकली लेट मी नो पहले कौन सा चैप्टर करना है कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं सबके ठीक है तो पहले चैप्टर सेवन करते हैं फाइन लेट्स बिगेन विद आवर चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन बहुत अच्छे ठीक <coughs> है रीजनल एस्पिरीशन्स में हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के एस्पिरेशन उनकी इच्छाओं के बारे में पढ़ेंगे व्हाट डिड दे डिमांड राइट एंड हाउ वाज दैट सॉर्टेड आउट बाई द गवर्नमेंट इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज रिलीजन रीजन एथनिक एंड जोग्रफिकल डाइवर्सिटी से हमने डेमोक्रेसी के थ्रू डील किया है ना डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरीशन डेमोक्रेसी है हमारे पास इतना राइट right है कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो चाहें बोल सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं इसीलिए अलग अलग रीजन्स की एस्पिरीशन्स क्या वो चाहते हैं वो हमें पता चलता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउज़ पार्टीज एंड ग्रूप्स टू एड्रेस द पीपल ऑन बेसिस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी एस्पिरीशन एंड स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम्स भाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्टीज uh, को राइट right देती है कि आप रीजनल अपील कर सकते हो एक रीजन में आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो या रीजनल लोगों के साथ जो है कनेक्ट करके अपने कैंपेन में पिच भी कर सकते हो इन द कोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रीजनल एस्पिरीशन गेट्स ट्रेंथड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रीजनल एस्पिरेशन और ज़्यादा मजबूत होती हैं और रीजनल पार्टीज का भी राइज होता है तो जहाँ एक क्वेश्चन बनता है बच्चा लॉन्ग वाला डेमोक्रेसी uh, कैसे जो है स्ट्रेंद uh, या फिर इम्पैक्ट करती है रीजनल एस्परेशन को तो ये उसका आंसर है एट द सेम टाइम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑल्सो मीन्स दैट रीजनल इशूज एंड प्रॉब्लम विल रिसीव एडिक्वेट अटेंशन राइट एंड अकोमोडेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस डेमोक्रेसी है भाई जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है टू द पीपल इसीलिए जो भी लोग डिमांड करेंगे वो गवर्नमेंट सुनेगी उसको अटेंशन देगी और सॉल्व भी करेगी राइट right? बहुत अच्छे

क्योंकि कई बार हम नेशनल यूनिटी पे ध्यान देती है गवर्नमेंट और रीजन को साइडलाइन कर देती है अंधेखा कर देती है इस वजह से डिस्प्यूट राइज होते हैं और इसी वजह से रीजनल एस्पिरेशन उठ के आती है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मूवमेंट्स होती हैं फाइन चलिए तो कौन से एरियाज हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जहां पे टेंशन हुई भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें पार्टीशन के साथ डील करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करना पड़ा रेफ्यूजीज के साथ डील करना पड़ा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना पड़ा स्टेट्स की रिओर्गनाइजेशन हुई मास एजिटेशन हुए प्रोटेस्ट हुए फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हमने अभी तक पढ़ा वो समब हो गया है राइट रीजनल पार्टीज का राइज हुआ राइट रीजनल पार्टीज अपने रीजन की जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करती है अपने रीजन को रिप्रेजेंट करती है है ना बहुत अच्छे सो वॉट आर द मेन रीजन फॉर रीजनलिज्म रिलीजियस डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी जोग्रफ़िकल वेरिएशन पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट अनबैलेंस डेवलपमेंट तो यार क्या रीजन्स होते हैं जिस वजह से उस रीजन में लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो या फिर कुछ आ, ध्यान दिया जाए भाई हर एक हर एक हर एक रीजन में अलग अलग रिलीजियस के रिलीजन के लोग रहते हैं तो हर एक रीजन रिलीजियसली अलग है डायवर्स है कल्चरली अलग है है ना सबका अपना कल्चर है जोग्राफिकली अलग है भाई कोई माउंटेनियस रीजन है तो कोई प्लेन्स हैं राइट सबको अपने पास थोड़ी सी पावर चाहिए ऑटोनॉमी चाहिए एंड अनबैलेंस डेवलपमेंट जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में उतनी डेवलपमेंट नहीं है एज कंपेयर टू तो नॉर्थ इंडिया तो उनको वो प्रॉब्लम है राइट right? बहुत अच्छे सो so, हम डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर द्रविडियन मूवमेंट जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्ट पंजाब क्राइसिस नॉर्थ ईस्ट में मिजोराम नागालैंड में सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स, गोवा का बॉक्स पढ़ेंगे और सिक्किम का भी बॉक्स पढ़ेंगे राइट दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर तो भाई जम्मू कश्मीर जो है तीन सोशल और पोलिटिकल रीजन्स का से बना हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख राइट ओके okay, जो कश्मीर रीजन है वो कश्मीर वैली है राइट right? जो कश्मीर रीजन में कश्मीर वैली है राइट ओके इट इन्वॉल्व अच्छा ये जो इशू है ना कश्मीर का इसमें कश्मीरियत आइडेंटिटी ऑफ कश्मीरी इसका भी एक बहुत बड़ा वो है कि भाई जो कश्मीरी पीपल है वो अपने आप को कैसे देख सकते देखते हैं दे सी दे कश्मीरीज बिफोर इंडियंस राइट Uh, चलिए बहुत अच्छे और पार्ट ऑफ कश्मीर इज स्टिल अंडर पाकिस्तान राइट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो भाई बिफोर फोर्टी सेवन जम्मू एंड कश्मीर वाज़ अ प्रिंसली स्टेट एक प्रिंसली स्टेट थी उन हिंदू रूलर था उनका हरी सिंह राइट right? वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता था राइट right? एंड uh, ट्राई टू क्विट नेगोशिएशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान ही वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट राइट इंडिपेंडेंट वो रहना चाहती थी कश्मीर राइट द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट कि भाई कश्मीर क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है तो हमारा होगा राइट बेस्ड ऑन द रिलीजियस मेजॉरिटी प्रिंसिपल फाइन इसीलिए भाई हमेशा से पाकिस्तान का वहाँ पर इंटरेस्ट रहा है बट जो वहां के लोग हैं वो अपने आप को सबसे पहले कश्मीरीज की तरह देखते थे राइट नॉट एज इंडियंस और पाकिस्तानी फाइन चलिए बहुत अच्छे बट मूविंग फॉरवर्ड द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट वॉज लेड बाई शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लीडर थे शेख अब्दुल्ला ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द महाराजा महाराजा से भाई वो पीछा छुड़ाना चाहते थे इसलिए पॉपुलर मूवमेंट हुई राइट right? एंड वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि भाई भेस बदल के जो है लोगों को कश्मीर को कैप्चर करने के लिए भेजा एंड इस वजह से महाराजा ने इंडियन मिलिट्री की हेल्प मांगी आ, इस फिर इंडिया ने मिलिट्री हेल्प दी कश्मीर को बचाया एंड उन इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भेज दिया इसी के तहत महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इट वाज ऑल्सो अग्रीड वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज एक बार जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो जो कश्मीरी पीपल है उनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या वो अग्री करते हैं इंडियन यूनियन का पार्ट बनने से या नहीं अब मेन प्रॉब्लम यही है कि कभी उनसे पूछा ही नहीं गया इस बारे में ठीक है ड्यू टू मिलिटेंट बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान एंड सेपरेटिस्ट ऑफ कश्मीर दिस एरिया रिमेन्स टर्बुलेंट यहां पे वॉयलेंस चलता ही रहता है क्या तीन प्रिवेलिंग व्यूज हैं कश्मीरीज के कश्मीर शुड भी मेड अ सेपरेट नेशन कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए कुछ चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम होना चाहते हैं कुछ जो है वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं बट चाहते हैं हमें थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले राइट right? अपने डिसीजन लेने की पावर मिले ठीक है सिंस इट्स इंटीग्रेशन विद यूनियन ऑफ इंडिया कश्मीर हैज़ ऑलवेज रिमेन अ बर्निंग इशू राइट चलिए भाई हमने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ए राइट 370 से कश्मीर के पास पावर आती है टू हैव इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्लैग है ना चीफ मिनिस्टर uh, uh, को वहाँ प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था गवर्नर को सदरे रियासत बोला जाता था राइट right? एंड बहुत सारे इंडियन लॉज जो कि कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे ये सब आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को प्रोवाइडेड था ऑटोनॉमी हमने दी थी राइट right? जो कि अब जो है हटा दी गई है रिवोक कर दिया गया है ताकि फुल इंटीग्रेशन हो सके कश्मीर और इंडिया की फाइन एवरीबडी हा या ना एंड आर्टिकल जो थर्टी फाइव ए था कि जो भी नॉन कश्मीरी पीपल हैं वो वहां पर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते राइट एंड वॉज सो दीज व टू आर्टिकल गिवेन इट वॉज अगेंस्ट द स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर दैट देर वॉज अ क्लैरियन कॉल फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव ए एंड भाई वहां के लोग इसको मानते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज सेपरेशन है इस वजह से जो है हम आ, इंडिया से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे दैट इज वाई गवर्नमेंट रिमूव दी सेक्शन बहुत अच्छे ये सब क्या था बैकड्रॉप ऑफ द करंट एनडीए गवर्नमेंट राइट मोदी गवर्नमेंट के अंडर ये सब हुआ वेर इन द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन बिल वाज पास ऑन फिफ्थ ऑगस्ट 2019 इन राज्यसभा जिसके तहत थ्री सेवेंटी आर्टिकल और थर्टी फाइव ए हटा दिया गया एंड लोकसभा में अगस्त 2019 को बिल पास हुआ प्रेजेंट प्रेजिडेंट ने एसेंट दिया नाइन्थ अगस्त को एंड फाइनली दोनों आर्टिकल्स जो है रिपील कर दिए गए एंड जम्मू एंड कश्मीर को साथ में जो है आ, आ, साथ में कह रही हूँ डिवाइड कर दिया टू यूनियन टेरिटरीज में जो पहले एक स्टेट थी नाउ दे आर टू यूनियन टेरिटरीज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ठीक है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर नाउ दे आर टू यूनियन टेरिटरीज बहुत अच्छे सो दिस ऑल अबाउट द कश्मीर इशू सभी को समझ में आया हाँ या ना बताइए जरा चलिए बहुत अच्छे अब चलते हैं पंजाब क्राइसिस पे पंजाब इशू पे तो यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे विच वॉस अकाली दल ठीक है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ध्यान देंगे सभी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब इन 1966 द अकालीज केम टू पावर तो भाई अकाली Uh, दल आता है पावर में इन 1967 एंड देन एंड 1977 द अकाली दल इट वाज़ फाउंड इन 1920 एज द सिक्स, राइट हैड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पंजाबी सूबा ऑन बोथ ओकेजन इट वॉज अ पॉलिशन गवर्नमेंट दोनों ही बार पॉलिशन गवर्नमेंट थी तो अकाली दल क्या है इट इज द पोलिटिकल विंग ऑफ सिक्स जो नाइनटीन ट्वेंटी में फॉर्म हुई थी चलिए तो ड्यूरिंग नाइनटीन सेवेंटीज क्या हुआ अ सेक्शन ऑफ अकालीज डिमांडेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन कि भाई हमें और ज्यादा पावर चाहिए पॉलिटिकली ठीक है ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया एट देर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब तो इसको बोला जाता है द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973 जिसमें अकाली दल ने मांग करी कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए हमें अपने रीजन में फुल पावर चाहिए डिसीजंस लेने की एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिडिफाइन किया जाए कि भाई सेंटर के पास ज़्यादा पावर क्यों है और स्टेट के पास कम क्यों है ठीक है जी बहुत अच्छे द रेजोल्यूशन वॉज अ प्ली फॉर स्ट्रेंदनिंग फेडरलिज्म क्या होता है स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है बट इट कु इंटरप्रेटेड एज अ प्ली फॉर अ सेपरेट सिख नेशन इसको हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे आगे देखते हैं द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट पास फ्रॉम द मॉडरेट अकालीज टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स अब क्या हुआ पहले तो मॉडरेट अकालीज थे मॉडरेट पीपल जो भाई पटिशन uh, नेगोशिएशन uh, इन सब में बिलीव करते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं सीधा अपनी मांग पूरी करने के लिए तो भाई आर्म्ड इंसर्जेंसी यानी कि फोर्स का इस्तेमाल होने लगा वॉयलेंस का इस्तेमाल अब होने लगा इन जून 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार सो वॉट वॉज द ऑपरेशन ब्लू स्टार जून नाइनटीन में जब गोल्डन uh, टेम्पल में काफ़ी सारे आर्म्ड मिलिटेंट्स जाके uh, छुप गए थे तब इंडियन uh, आर्मी ने वहाँ पे uh, एक मिलिट्री ऑपरेशन किया टू टू फ्लश देम आउट राइट इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार बोला जाता है और इसी से काफ़ी सारे जो सिख पीपल हैं उन्हें लगा था कि मतलब दे फेल्ट दैट uh, उनका जो uh, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे क्योंकि गोल्डन टेम्पल में आर्मी ने एक्शन लिया था राइट right? चलिए फिर 1984 में राजीव गांधी और जो अकाली दल के लीडर हैं हरचंद सिंह लोंगोवाल उन्होंने जो है बातचीत करी एक अग्रीमेंट पे आए राइट इन जुलाई 1985 और क्या साइन हुआ राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड साइन हुआ ठीक है सो so व्हाट वाज द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड जिसको पंजाब अकॉर्ड भी बोला जाता है तो भाई दिस वाज अ स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मल सीन पंजाब की नॉर्मल हो जाए सिचुएशन वॉयलेंस खत्म हो जाए क्या क्या अग्री किया गया था नंबर वन कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को ट्रांसफर हो जाएगा नंबर टू एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा जो कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट पंजाब और हरियाणा के बीच में रिजॉल्व करेगा एंड नंबर थ्री एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो वाटर शेयरिंग पे डिसाइड करेगा रावी ब्यास रिवर का राइट right? पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में सो वेरी इंपॉर्टेंट लोंगोवाल पंजाब अकॉर्ड क्या क्या डिसाइड हुआ था क्लियर हाँ या ना फटाफट बताइए बहुत अच्छे सो so, बहुत बढ़िया अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट पे बच्चा नॉर्थ ईस्ट में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं ठीक है इस रीजन को हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, राइट सेवन सिस्टर्स कौन-कौन सी फटाफट से कमेंट्स में बताओ भाई केवल चार परसेंट जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो यहां पे रहती है राइट एंड स्मॉल कॉरिडोर 22 किलोमीटर का कनेक्ट करता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन से राइट आ, इट इज ऑल्सो नोन आज इंडिया गेट वे टू साउथ ईस्ट एशिया क्योंकि साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन से हमें कनेक्ट करता है बहुत बढ़िया ओके okay. मेन so, है जिसमें हमने डिवाइड कर दिया है नॉर्थ ईस्ट को डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी राइट मूवमेंट फॉर सक्सेशन एंड ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी यानी कि ज्यादा पावर चाहिए ग्रेटर पावर ठीक है मूवमेंट फॉर सक्सेशन यानी कि सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे हैं सेपरेट होना चाहते हैं ठीक है ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स यानी कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है जो कि स्पेसिफिकली इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छे तो बच्चा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको रिलेट कर लेना है नॉर्थ ईस्ट में इन तीनों में से क्या पूछा गया है ऑटोनॉमी का पूछा गया है तो भाई ऑटोनॉमी में जो हम पढ़ेंगे वो आप डाल देंगे सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट पूछा है तो जो सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट में पढ़ेंगे वो आप डालेंगे आंसर में एंड मूवमेंट अगर आउटसाइडर पूछा है तो जो इसमें पढ़ेंगे वो डाल देंगे ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है चलिए बहुत अच्छे ओके okay. So, सबसे पहले मूवमेंट्स फॉर ऑटोनॉमी में क्या आएगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस होल एरिया एक्सेप्ट मनीपुर एंड राइट? इन विच मेनी लिंग्विस्टिक ट्राइबल ग्रुप लिव दीज डिमांडेड सेपरेट स्टेट टू प्रिजर्व देयर यूनिकनेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी और इसी के चलते फिर आसाम से कौन कौन सी काव आउट हुई थी जो हमने पढ़ा वो सारा इसमें डाल देना है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्री रीड्रॉ हुई थी है ना रीड्रॉ बाउंड्री है ना वो हमें यहाँ पे डाल देना है जो हमने टेबल पढ़ी ना वो सारी ठीक है नागालैंड आसाम त्रिपुरा मणिपुर ये तो यहीं पे हैं, बाकी सारी वो वाली स्टेट्स और उनके ईयर यहाँ पे डाल देंगे तो मूवमेंट्स ऑफ ऑफ ऑटोनॉमी में हमारा क्या आएगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो सेपरेट स्टेट्स कारवाउट करी गई आसाम से चलिए इसके बाद आता है सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट जिसमें हम दो स्टेट्स पढ़ेंगे मिजोराम एंड नागालैंड ठीक है एम एन एन और एम साथ में आते हैं तो एन और एम हम सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स में पढ़ेंगे क्लियर ठीक है ठीके? बहुत अच्छे सो दिस सेपरेटिस्ट मूवमेंट इमर्ज आफ्टर द असम गवर्नमेंट फेल्ड टू मैनेज द फेमाइन दैट केम इन हिल रीजन ऑफ असम इन 1959 तो so, जैसे हमने पहले पढ़ा कि पहले सारा जो नॉर्थ ईस्ट था वो असम के अंडर ही आता था असम ही नाम था तो भाई 1959 में जब मीज़ोराम असम के हिल रीजन मीज़ोराम में फेमाइन आई तो गवर्नमेंट <coughs> ने ध्यान नहीं दिया ठीक है, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल अटेंशन नहीं दी तो लोग जो है बहुत ज्यादा हर्ट हुए इस चीज से Then, in 1966 मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया जो कि एक आर्म्ड कैंपेन आर्म्ड कैंपेन यानी कि वॉयलेंस का इस्तेमाल करके लाल डेंगा की लीडरशिप के अंडर 1986 में हाँ इन्होंने ये आर्म्ड कैंपेन किया वॉयलेंस वॉयलेंट मूवमेंट्स करी आ, किसने मिजो नेशनल फ्रंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डिंगा 1986 एंड व्हेन वाज ये ईयर में अभी बताती हूँ 66 है या 86 है हाँ 66 में वो करी आर्म्ड मूवमेंट और 86 में पीस अग्रीमेंट दोनों के बीच में हो गया था जिसके बाद मिजोराम को फुल स्टेट मिल गई फाइन एवरी ठीक है क्लियर हाँ या ना 66 में आर्म्ड स्ट्रगल हुआ और 86 में पीस अग्रीमेंट हुआ बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा राइट एक बार कंफर्म कर लेती हूं मैं यस परफेक्ट चलिए इसके बाद हम चलते हैं नागालैंड पे तो भाई मिजोराम को फिर स्टेटहुड मिल गई दैट वाज द सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट अंडर मिजोराम टॉकिन अबाउट नागालैंड अ सेक्शन ऑफ नागाय इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन नाइनटीन फिफ्टी वन भाई फिर यहाँ पे कौन लीडर है फिजो में सर नेम है वी हैव हाँ, अंगमी फू फिंगमी फू फिज़ो ठीक है हंगमी फफ़ू फिजो उन्होंने नेगोशिएशन नहीं करी इंडिया के साथ सारे ऑफर्स टर्न डाउन करे नागा नेशनल काउंसिल जो है बनाया गया और एक आर्म्ड स्ट्रगल वॉयलेंट मूवमेंट निकाली गई जहाँ पे नागाज ने सॉबरिटी मांगी ठीक है इंडिपेंडेंस मांगी फ्रॉम इंडिया आफ्टर अ पीरियड ऑफ वॉयलेंट इंसर्जेंसी वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट चला सेक्शन ऑफ नागालैंड ने अग्रीमेंट साइन किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट uh, जो रेबल हैं जो अभी भी वहाँ पे नाखुश हैं इस चीज़ से वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते सो द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट्स अ फाइनल रेजोल्यूशन अभी भी यहाँ पे कोई पक्का वो नहीं हुआ है कंक्लूशन राइट ग्रेट नाउ लेट्स मूव ऑन टू मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स इसमें असम आता है राइट वी टॉक अबाउट आसाम भाई जो नॉर्थ ईस्ट में लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रही है बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनको लेके ये इशू है क्यों भाई क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रहती है उनको थ्रेट हो रहा है उनके लिमिटेड रिसोर्सेज है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है वही आउटसाइडर्स आके छीन लेंगे तो कैसे चलेगा राइट सो दिस इशू हैज टेकन पोलिटिकल एंड समटाइम्स वॉयलेंट फॉर्म इन मैनी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेशली असम मूवमेंट की हम बात करेंगे जो कि 79 से 85, 19, 79 से 85, 85 1979 तक चली एंड इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स भाई 79 में आसू यानी कि ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन एक स्टूडेंट ग्रुप है उन्होंने एक एंटी फॉरेन मूवमेंट एंटी फॉरनर मूवमेंट चालू करी किसके अगेंस्ट था अगेंस्ट इीगल माइग्रेशन ऑफ

that all outsiders who had entered the state after 1951 should be sent back bhai jo bhi 1951 ke baad aaya unko wapas bhejo right eventually as a result 6 साल बाद राजीव गांधी लेट गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करी बातचीत करी आंसू से आंसू लीडर से and एक अकॉर्ड साइन किया कब In 1985 But सारी प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन की उसके साथ सॉल्व ना हो पाई इस अकॉर्ड में क्या था कि भाई 19, I think 71, से uh, के बाद जो भी आया उनको वापस भेजा जाएगा रेलिवेंट इशू राइट और इसी के तहत अभी रिसेंटली क्या निकाला है गवर्नमेंट ने किस किस को पता है करंट अफेयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत अच्छे चलिए नाउ वी हैव द द्रविडियन मूवमेंट फिर सिक्किम मर्जर पढ़ेंगे फिर गोवा देखेंगे और फिर लेसन लर्न फ्रॉम रीजनल एस्पिरेशन अपना देखेंगे चलिए अभी तो है सो वॉट वॉज द द्रविडियन मूवमेंट एवरी वन दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स सम सेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट है बट द मूवमेंट डिड नॉट टेक टू आर्म्स वॉयलेंट नहीं थी मूवमेंट बट भाई कुछ जो सेक्शन है कुछ जो लोग हैं वो चाहते थे अलग से सेपरेट द्रविड नेशन बनाए

पे, ओ, पेरियार, सो सॉरी ठीक है ईवी रामस्वामी रामास्वामी तो डीके की फॉर्मेशन हुई द्रविड़ कजागम अंडर ईवी e. रामस्वामी रामास्वामी पेरियार राइट द ऑर्गेनाइजेशन strongly अपोज द Brahmins' डोमिनेंस कि भाई Brahmins की जो dominance है उसके खिलाफ थे एंड affirmed रीजनल प्राइड अगेंस्ट political, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया राइट सो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया की डोमिनेशन हर एक स्पेयर में और ब्राह्मनस की डोमिनेशन के खिलाफ थे आ, और भाई होल ऑफ साउथ इंडिया के लिए इन्होंने बात करी बट सपोर्ट उतना नहीं मिला तो केवल जो है तमिलनाडु के लिए उन्होंने बात करी फाइन आगे चलते हैं फिर भाई द्रविड़ कजागम में स्प्लिट आया एंड जो ओरिजिनल लेगेसी है वो डीएमके को शिफ्ट हो गई द्रविड़ मुनेत्र कजागम को ठीक है दिस वॉज द पार्टी डीएमके द्रविडम मुनित्र कजागम लेटर डीएम के भी दो पार्टीज में स्प्लिट हो गई डीएम के एंड ए आई एम के विच इज ऑल इंडिया पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु फॉर द लास्ट फोर डेकेज चालीस सालों से इनकी तमिलनाडु में डॉमिनेस है अब बात करते हैं सिक्के मर्जर की विच इज अ बॉक्स तो भाई सिक्किम जो है प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी इंडिया की यानी कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब क्या है कि सिक्किम का डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस जो है वो इंडिया ख्याल रखती थी उसका राइट क्लियर फाइन तो ना वो इंडिया का पार्ट थी पहले बट इट वाज नॉट कंप्लीटली सोवेर आल्सो फाइन क्योंकि डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस किसके पास है इंडिया के पास है फाइन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है जो चोगियाल जो था राइट right? सिक्किम चोगयाल की जो मोनार्की थी वो डेमोक्रेटिक लोगों की जो एस्पिरेशन थी इच्छा थी उसके साथ डील नहीं कर पाई तो भाई सिक्किम पॉपुलेशन में आ, बहुत सारे जो लोग हैं वो नेपाली हैं बट चोग्याल जो है वो एक स्मॉल एलिट कम्युनिटी विच इज़ लेपचा भुटिया कम्युनिटी से थे तो उन्होंने uh, नेपाली की uh, जो है एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाए सो एंटी चोग्याल लीडर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज साथ में आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट लिया राइट right? एंड फिर सिक्किम असेंबली ने स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट लिया एंड अप्रैल 1975 में फुल इंटीग्रेशन इंडिया के साथ किया राइट right? जिसके थ्रू एक रेफरेंडम भी हुआ जहां पे लोगों से पूछा गया और पॉपुलर अप्रूवल भी मिल गया थप्पा भी लग गया कि भाई लोग भी खुश हैं एंड इस तरीके से सिक्किम बिकेम द ट्वेंटी सेकेंड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज इट क्लियर एवरी वन या ना इज इट क्लियर चलिए गोवा की बात करते हैं तो भाई गोवा जो है हम तो इंडिया तो 1947 में आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा पे पोर्चुगीज का कंट्रोल था तो पोर्चुगल ने मना कर दिया कि भाई हम गोवा दीव और दमन जो है उसको आ, हम नहीं हट रहे हम नहीं जा रहे हैं ठीक है सो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्यार से पोसुएट करने की कोशिश करी पोर्चुगीज गवर्नमेंट को कि यार जाओ अब ठीक है पॉपुलर मूवमेंट भी हुई गोवा में फ्रीडम के लिए जहाँ पे सोशलिस्ट सत्याग्रही फ्रॉम महाराष्ट्र ने सपोर्ट किया फाइनली इट वॉज इन दिसंबर 1961 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी को भेजा जिसने पोर्चुगीज़ से गोवा दीओर दमन को फ्री किया राइट देन इन जनवरी 1967 सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल ओपिनियन पोल रखा गोवा में लोगों से पूछा कि वो महाराष्ट्र का पार्ट बनना चाहते हैं या एक अपनी सेपरेट स्टेट चाहते हैं देन पीपल सेट कि वो अपनी सेपरेट स्टेट चाहते हैं राइट दे वॉन्ट टू रिमेन आउटसाइड महाराष्ट्र तो गोवा बिकेम यूनियन टेरिटरी फाइनली इन 1987 गोवा को एक स्टेट बनाया गया एंड इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया राइट एवरीवन बहुत अच्छे परफेक्ट सो वॉट आर द लेसन लर्न क्या लेसन हम सीखते हैं रीजनल एस्पिरेशन से बताइए जरा क्या सबक हमने सीखा भाई डेमोक्रेसी जहां पे है वहां पे रीजनल एस्पिरेशंस होगी ही होगी समय के साथ साथ लोगों की इच्छाएं बढ़ती ही हैं राइट सो रीजनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दूसरा क्या है भाई रीजनल एस्पिरेशंस को दबाने की वजह आपको उनके साथ बातचीत करके एक सल्यूशन ढूंढना चाहिए राइट सो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग रीजनल एस्पिरेशन इट इज बेटर टू अडॉप्ट डेमोक्रेटिक डायलॉग अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग भाई पावर को शेयर करना पड़ेगा सबको कुछ कुछ ऑटोनॉमी uh, चाहिए ही चाहिए इट इज़ नॉट सफिशियंट टू हैव अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ग्रुप्स एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर इन पावर एट द स्टेट लेवल जो उधर उस रीजन की पार्टीज हैं उस रीजन के ग्रुप्स हैं पीपल हैं उनको आपको पावर देनी पड़ेगी स्टेट लेवल पे ताकि वो अपने खुद के डिसीजन ले सके और भाई रीजनल इंबैलेंसेस को कंट्रोल करना रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है कि भाई किसी जगह आपने बहुत डेवलपमेंट कर दी और किसी जगह बिल्कुल भी आपने डेवलपमेंट नहीं करी है राइट right? तो सबको फील होता है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जैसे नॉर्थ ईस्ट पीपल को फील होता है दैट हमारे यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि सो दे फील आइसोलेटेड तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए एंड द फेडरल सिस्टम अडाप्टेड बाय इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट फेडरलिज्म फ्लेक्सिबल है राइट right? जो पावर शेयरिंग है वो चेंज हो सकती है पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज सक्सीडेड इन एक्सेप्टिंग रीजनलिज्म एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है तो रीजनल एस्पिशन होगी ही रीजनलिज्म होगा ही सो दीज आर द देशन लर्न बाय रीजनल एस्पिरेशन सारे ही लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है इसी के साथ अपना रीजनल एस्पिरीशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है बहुत अच्छे चलिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन आफ्टर दिस हम अपना लास्ट दो चैप्टर्स कवर कर लेंगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन एंड सबसे शॉर्ट अपना जो चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट क्लियर चलिए चलिए जी फटाफट फड़ से खल्लास करते हैं अपने लास्ट टू चैप्टर्स को ओके इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस जिसमें हम इंडिया के रिलेशंस पढ़ेंगे बाहरी नेशंस के साथ स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया बहुत ज़्यादा ट्राइंग और चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बॉर्न हुई थी 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी तब भाई कोल्ड वॉर भी चल रही थी राइट वर्ल्ड uh, जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड था है ना यूएस US और यूएसएसआर के अलायंस में राइट इन सच अ सिचुएशन इंडियाज फर्स्ट पी जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी विद ग्रेट फोर्साइट यानी कि आगे का देखते हुए चलिए ओके सो द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ़ नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी वाज नंबर वन टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवेरेंटी जो हमने इतनी मेहनत से सोवेरेंटी कमाई है सोवेरेंटी यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की पावर की किसी थर्ड कंट्री का हमारे पास आके कंट्रोल नहीं है राइट right? तो उसको प्रोटेक्ट करना है भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है यानी कि हमारी जो कंट्री है उसको एज अ होल हमें अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करना है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है इकोनॉमिकली हमें डेवलप होना है तो दीज वॉर द्री मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज़ फॉरन पॉलिसी राइट बहुत अच्छे आगे चलते हैं

तो पंचील अग्रीमेंट इंडिया और चाइना ने साइन किया था 1954 में कि दोनों की जो फॉरेन रिलेशन है उसको रि, आ, रिस्पेक्ट करेंगे राइट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे राइट चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है ध्यान दीजिए जरा डिसमेंट की डिसार्मोमेंट यानी कि टू गिव आर्म्स राइट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंटी इंपीरियलिज्म यानी कि कि कोई आके हम पे कंट्रोल ना करे कोलोनियलिज्म को अपोज करना पंचशील अग्रीमेंट फ्रीली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स वासुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम का मीनिंग क्या है फटाफट से बताओ एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाट डू यू मीन बाय वासुदेव कुटुंबकम अभी तो इतना चला था जी के चलते सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं वॉट डिड इंडिया डू क्या इंडिया यूएसएसआर के अलायंस में आया या यूएसए के अलायंस में इंडिया ने तीसरा रास्ता चुना नॉन अलाइन मूवमेंट राइट यानी कि भाई जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उन्हें दोनों अलायंस में जाने की जरूरत नहीं है वो एक तीसरा जो ऑप्शन है नैम नॉन अलाइंट मूवमेंट उसका पार्ट बन सकती है राइट सो अ मेजर चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज टू प्रिजर्व इथ सोवरटी इंडिया हैड टू ऑल्सो अचीव रेपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट राइट तो भाई इंडिया ने एक ऐसी फॉरन पॉलिसी फ्रेम करी नॉन अलाइनमेंट की राइट right? इससे भाई आ, इंडिया दोनों ही कोल्ड वॉर के जो जाइंट्स थे सुपर पावर्स थे उनसे दूर रही और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेटोर पैक्ट से उचित दूरी बना के रखी राइट एंड इफ नीडेड हमें फाइनेंशियल और सोशल हेल्प दोनों ही आ, आ, कंट्री से मिल सकती थी राइट right? तो हमने बहुत अच्छे तरीके से नैम को बैलेंस किया राइट इंडिया ने कैसे एफ्रो एशियन यूनिटी दिखाई भाई वी वपोर्टर ऑफ डी कोलोनाइजेशन प्रोसेस तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशियन सिटी में हुई थी बैंडर की नाइनटीन फिफ्टी फाइव दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम राइट एंड द फर्स्ट सब नैम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सेप्टेंबर राइट इसमें एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी आएगी एशिया और अफ्रीका एशिया की यूनिटी के लिए अब हम चलते हैं चाइना सो पीस एंड कॉन्फ्लिक विथ चाइना पे चलते हैं भाई आफ्टर चाइनीज रेवल्यूशन इन नाइनटीन फोर्टी नाइन इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकोग्ज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमने शुरुआत से बहुत फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करे लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे लगता है भाई फिर क्या हुआ चाइनीज इन्वेशन 1962 में बॉर हुई चाइना के साथ उससे पहले टिबिट इशू एक बार जानते हैं द टिबिटन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा सॉट एंड ऑप्टेंट पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया वो इंडिया में आ गए कुछ समय के लिए इन 1959 ठीक है चाइना को ये बात पसंद नहीं आई राइट right? एंड उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एंटी चाइनीज एक्टिविटीज करा रही है अपनी कंट्री में राइट right? इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई विच वाज़ द बाउंड्री डिस्प्यूट राइट दो रीजन्स जो हैं अक्साइचिन एरिया इन लद्दाख एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जिसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं इन दोनों एरियाज़ पे लेके बाउंड्री डिस्प्यूट आई राइट right? एंड इसी पे जो है 62 में चाइना ने छुपके से हम पे हमला किया स्विफ्ट और मैसिव इन्वेशन किया अक्टूबर 1962 पे और दोनों और अरुणाचल पे कैप्चर कर लिया और फिर एट दी एंड यूनिलेटरल सीज फायर यानी कि पीछे हट गई उनकी फोर्सेस एंड वापस से जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो गई लेकिन ये चाइना वॉर का जो असर है जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा गहरा पड़ा इंडिया पे राइट व्हाट वाज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडो चाइना वॉर व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडिया फटाफट से बताएंगे चाइना वॉर डेंटेड इंडिया इमेज एट होम डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली अब्रॉड राइट भाई हमें अमेरिका और ब्रिटिश से मिलिट्री असिस्टेंस लेनी पड़ी यूएसएसआर वाज वॉज न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इस वॉर से हमें नेशनल ह्यूमिलिएशन इंसल्टेड फील हुआ लेकिन साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी जाग उठी राइट एंड भाई जो टॉप आर्मी कमांडर्स थे या तो वो उन्होंने रिजाइन कर दिया या रिटायर हो गए जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन उन्होंने भी कैबिनेट छोड़ दिया एंड नेहरू को तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया गया उनके आ, इस नाइव असेसमेंट के लिए नाइव यानी कि जो उन्होंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की हुई थी चाइनीज इंटेंशन के लिए और हम जो है मिलिट्री प्रिपेरनेस के स्टेट में नहीं थे एंड इवन जो इंडो चाइना के बॉर्डर पे है आर्मी तक नहीं थी केवल पैरा मिलिट्री फोर्सेस थी राइट सो दीज द इंपैक्ट ऑफ इंडो चाइना वॉर अब चलते हैं पाकिस्तान पे वॉर्स एंड पीस पाकिस्तान भाई सबसे पहले इसमें 1947 कश्मीर इशू हम बता देंगे ठीक है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर 1947 ठीक है क्लियर यूएन के पास ये इशू गया था लेकिन कुछ भी आ, Uh, आया नहीं इसका कंक्लूजन उसके बाद कॉपरेशन की बात करें तो बोथ द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर द विमेन ड्यूरिंग पार्टीशन इंडस वाटर्स ट्रीटी है हमारी कॉपरेशन की बिटवीन नेहरू एंड जनरल अयूब का 1960 में जो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट कराई थी ठीक है जी चलिए अब बात करते नाइनटीन सिक्सटी की वॉर की so, पहले 1947, फिर 1965. अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने आर्म्ड अटैक लॉन्च किया रन ऑफ कच एरिया गुजरात में ठीक है इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी अगस्त और सितंबर के दौरान दूसरा अटैक आया क्लियर फिर भाई हमने भी काउंटर अटैक लॉन्च किया पंजाब साइड से बॉर्डर पे ठीक है अंडर प्राइम मिनिस्टर शास्त्री फिर भाई बहुत ज्यादा बात बढ़ गई एंड इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर द होस्टेलिटीज केम टू एन एंड विद यू एन इंटरवेंशन यू एन ने बीच में इंटरवीन किया तब जाके जो है सीज फायर हुआ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइन दाशकंत अग्रीमेंट राइट जो कि यूएसएसआर ने ब्रोक करवाया था यानी कि ब्रोकर यानी कि मीडिएटेड बाय यूएसएसआर इन जनवरी 1966 और यहीं पे जो है शास्त्री जी एक्सपायर हो गए थे राइट बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अब भाई 47 की वॉर हमने देखी 65 देखी अब चलते हैं 1971 की वॉर पे ठीक पर विच वॉज ये हम बुक वन में पढ़ चुके हैं पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस हो रहे थे 1970 के अराउंड जो जनरल इलेक्शन थे उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो Uh, uh, पहले जनरल इलेक्शन की बात हो रही है जुल्फी अली भुट्टो uh, विनर इ, इन वेस्ट पाकिस्तान एंड आवामी लीग लेड बाय शेख रहमान स्वेप थ्रू ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजिबर रहमान को uh, अरेस्ट कर लिया और रेन ऑफ टेरर जो है वहाँ पे लोगों पे uh, वॉयलेंस इस्तेमाल करने लगे भाई वहाँ के जो लोग हैं दिस स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट नेशन बांग्लादेश टू सिचुएशन से परेशान थे और उन्होंने इंडिया में शेल्टर लिया राइट भाई इस चीज से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो गई कि भाई इंडिया का ये सब कुछ uh, किया कराया है फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वॉर हुई राइट सो so, पाकिस्तान को सपोर्ट किया यूएस और चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया यूएसएसआर ने सो so, पाकिस्तान वो सपोर्टेड बाय यूएस एंड चाइना राइट हेनरी किसिंगर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन उन्होंने सीक्रेट विजिट करी थी चाइना को वाया पाकिस्तान इन जुलाई नाइनटीन इस यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस को काउंटर करने के लिए हमने यूएसएसआर के साथ 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी अगस्त 1971 में राइट right? इस ट्रीटी के तहत इंडिया को सोवियत का सपोर्ट था राइट दिस वाज एन फॉर्म right? uh, है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश से सराउंड कर लिया था एंड पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा फिर बांग्लादेश फाइनली आजाद हो गई एक फ्री कंट्री बनी एंड इंडिया पीछे हट गया यूनिरेट्रल सीफायर कर दिया राइट right? इसके बाद कौन सा agreement हुआ? अग्रीमेंट हुआ शिमला अग्रीमेंट राइट 65 के बाद ताशकंद अग्रीमेंट हुआ यहाँ पे फिर हुआ शिमला अग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन थर्ड जुलाई 1972, जिससे वापस से नॉर्मल रिलेशंस आ गए क्लियर बहुत बढ़िया इसी वजह से फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो है वो इनिशिएट नहीं हो पाया 1969 में राइट एंड प्लान हॉलीडे हो गई थी इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है बहुत ज्यादा बढ़ गया ड्यू टू कंटिन्यूस वॉर्स इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है 1999 में कारगिल वॉर ठीक है तो चार वॉर्स मेंशन करेंगे 47, 65, 71 एंड 1999 ठीक है जो बॉक्स में कारगिल वॉर है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है भाई इनिशिएटेड इन in 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे बाबा ठीक है इंडिया वांटेड टू जनरेट अटोमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब मे 1974 में जिसको पीसफुल एक्सप्लोजन हमने टर्म किया राइट इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज़ ऑफ़ न्यूक्लियर इन मे 1998 नाइन द कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है जी यहां पे देखिए चार्ट के थ्रू कवर करते हैं इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी पीस ओरिएंटेड पीसफुल पर्पिस के लिए इस्तेमाल करेंगे नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन है ना केवल अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे मैन्युफैक्चर ऑन न्यूक्लियर वेपन्स अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड नेसेसिटी जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे राइट अपोजिंग अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक सी टीबीटी एंड एनपी टी कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट ट्रीटी एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफर ट्रीटी को हमने अपोज किया इन व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कैन बी रिव्यूड भाई अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको रिव्यू करके नो फर्स्ट यूज़ को हटा भी सकते हैं एंड कमिटेड टू इंश्योरेंस है वॉट डू यू मीन बाय एन एस जी सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा है ना कुछ आई कांट रिकॉल दिस वन

Now, let's move on to our last and very chotu chapter, which is Politics of Planned Development. चलिए फटाफट पड़ से रिवाइज करते हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट में हम अपना थर्ड चैलेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे राइट चलिए सो प्लानिंग इज टू मेक फ्यूचर प्लान फॉर द बेस्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस गवर्नमेंट हैज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट एवरी वन अग्रीड ऑन इंडिया डेवलपमेंट मेंट मेंोथ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस ठीक है यानी कि सोशल वेलफेयर भी हमें करना है इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए राइट right? बहुत अच्छे ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट देर वॉज कंसेंसिस टोटल अग्रीमेंट अमंगीडर्स दैर द मेन टास्क ऑफ इराडिकेटिंग पावर्टी एंड सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो शुरू से क्लियर था कि ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है वो गवर्नमेंट की होगी हम प्राइवेट एक्टर्स पर नहीं छोड़ेंगे बहुत अच्छे चलिए तो पॉइंट टू रिमेंबर देखते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट मेंट टू फॉलो वेस्टर्न कंट्रीज जैसा वेस्ट हो रहा है वो डेवलप्ड है राइट right? तो दो मॉडल्स कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल इंडिया ने मिक्स किया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स इकोनोमी अडॉप्ट करी जिसमें दोनों का कैपिटलिज्म भी है यानी कि प्राइवेट ओनरशिप भी और सोशलिज्म भी है यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल भी है राइट सो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिपेयर्ड अ रेजोल्यूशन इन 1944 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस वाज नोन एज द बॉम्बे प्लान व्हाट वाज द बॉम्बे प्लान टू मार्कर में आ सकता है ठीक है बहुत अच्छे द बेसिक गोल ऑफ प्लानर्स द्लानर्स टू रेज द लेवल ऑफ़ नेशनल इनकम राइट जी डी पी को बढ़ाया जाए ताकि जो गरीबी है वो कम हो दे हैड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ताकि सबको जो है सबकी जो इनकम है वो बढ़े राइट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का क्या व्यू था लेफ्टिस्ट यानी कि प्रो पुअर कि भाई आ,

राइट right? तो प्राइम मिनिस्टर है है इसीलिए वो प्लानिंग कमिशन के. प्लानिंग के ऑफ क्या थे ऑफ इंडिया एक प्लान बनाना जो कि बैलेंस्ड अप्रोच में हो कंट्री के लिए प्रायोरिटी सेट करना भाई किस पे ज्यादा पैसा लगाना है प्रोग्रेस प्लान को प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स की भाई कुछ एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं ये देखना भाई 1 जनवरी 2015 से ही प्लानिंग कमीशन जो है वो किससे रिप्लेस हो गया नीति आयोग से राइट right? सो so, 2015 से प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस बाय नीति आयोग क्लियर बहुत अच्छे सो द प्लानिंग कमीशन ऑप्टेड फॉर फाइव ईयर प्लान्स 5 ईयर प्लान्स वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ यूएसएसआर राइट द प्लानिंग कमीशन टू मेक प्रोजेक्ट्स फॉर द एग्जीक्यूट करना फर्स्ट और सेकेंड फाइव ईयर प्लान की जो आपके सिलेबस में है बाकी फाइव ईयर प्लान काट दिए गए हैं सो मेन फोकस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का था एग्रीकल्चर पे और सेकेंड फाइव ईयर प्लान का था इंडस्ट्रीज पे ठीक है फर्स्ट डिफरेंस हो गया तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में डैम्स और इरिगेशन पे जो है इन्वेस्टमेंट करा गया एग्जाम्पल भाखड़ा नांगल डैम राइट सेकेंड फाइव ईयर प्लान पे हैवी इंडस्ट्रीज राइट नहीं ड्यूटीज वर ऑन प्रोटेक्ट ठीक है प्र, uh, क्या है यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म uh, लगाया गया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट अगर करें तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा एंड uh, जो है हैवी uh, इंडस्ट्रीज uh, पे फोकस किया गया यहां पे कौन थे केन इधर लिखती हूँ केन राज वाज़ द मेन प्लानर एंड इधर पीसी महाला नोबिस क्लियर एवरीवन सेकेंड एंड फाइव ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान पीसी महाला महाला नोबिस ठीक है और ये स्लो था और ये थोड़ा फास्ट था रैपिड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इसका फोकस था क्लियर दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ प्लान ये पूरी लिस्ट है भाई कितने प्लान हो गए हैं ट्वेल्व प्लान हो गए हैं अभी तक राइट दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 51 से 56 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस किया सेकेंड 56 से 61 वन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया थर्ड सेल्फ रिलायंट भाई फूड अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी इराडिकेशन करेंगे राइट ठीक है बहुत अच्छे इतना ही था हमारा सेकेंड चैप्टर में बाकी कुछ भी नहीं है क्लियर परफेक्ट एवरीबडी इसी के साथ हमारी पूरी बुक टू कवर होती है आई कांट बिलीव गॉड चार घंटे हो गए हैं खड़े खड़े ओनली आई नो वॉट आई फीलिंग राइट नो फाइनली वी कंप्लीटेड आर बुक टू आई होप बच्चा सब कुछ आपको समझ में आ गया है स्पेशली जो अपने इलेक्शन वाले चैप्टर से जहां से डर लगता है राइट right? चलिए फटाफट से बता दीजिए आई होप सभी ने अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर लिया है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है अब एक बार मैं फटाफट से वो वाला पेज लॉक कर देती हूँ यस ओके जी मैं पूरी जो पी है अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से ज्वाइन कर लो राइट right? बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा बिल्कुल नहीं घबराना है रिवीजन आपने कर लिया है दोनों वन शॉट वीडियोस देख लो सब हो जाएगा राइट कीप रिवाइजिंग फ्रॉम योर नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ज़रूर देख लेना जिन्होंने गेस्ट पेपर कर लिए हैं पांचों टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ठीक है प्रैक्टिस पेपर्स में काफ़ी सारे सब कुछ पीवाई बेस्ड था आप टेंशन फ्री रहो लेकिन रिवाइज करते रहो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है राइट right? क्लियर भाई वैसे तो इट हैज बीन मेंशन की एडेड टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे सीबीएसई ने लिखा है बोर्ड्स में नहीं आएंगे फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना भाई ठीक है सभी को मैं बोल रही हूँ एक बार रीड कर लेना बस फाइन ताकि ये ना वो एक blank हो एकदम ब्लैंक हो इन केस आ भी जाए तो फाइन एवरी वन परफेक्ट एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन बच्चा मैप की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है लिंक आपको मिल जाएगा स्ट्रैटेजी वीडियो देखो उस वीडियो के नीचे सारे लिंक्स गिवन है ठीक है बहुत अच्छे ऑल द बेस्ट एवरीबडी बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ जहां पर भी लगे कि कुछ याद नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो खुद जब पेपर लिखोगे एक घंटे बाद ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो जाएगा अच्छा याद आ जाएगा और आप आंसर लिखाओगे सो डोंट वरी एट ऑल क्लियर बहुत अच्छे ग्रेट एवरी वन अब अपने नोट्स को रिवाइज करो ठीक है क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करने की कोशिश करो और जिसको लग रहा है कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो बुक्स uh, बंद करके उसको आंसर लिखने की कोशिश करो उसका ठीक है जैसा बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे बिना देखे राइट तो बहुत अच्छे से आप ये चीज़ रिवाइज uh, कर सकते हैं राइट चलिए थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन ऑल्सो बच्चा मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आ, इसी वीक मैं सी यू का बैच लॉन्च करूंगी राइट तो ऑल ऑफ यू जो भी सी यू टी दे रहे हैं ज़रूर उस बैच में एनरोल करना मैं लीगल स्टडीज़ भी ला रही हूँ जनरल टेस्ट भी ला रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी ला रही हूँ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस भी ला रही हूँ लाइव क्लासेस होंगी ज़रूर ज़रूर जरूर उस बैच में एनरोल करेगा फॉर योर सी यू टी क्रैश कोर्स टॉप नॉच कॉन्टेंट आपको मिलेगा क्लियर एवरी वन हाँ या ना फाइन एवरीबडी सी यू ई टी बैच इसी वीक आपको लॉन्च होता दिखेगा सो स्टे ट्यून्ड बहुत अच्छा टॉप नॉच लाइव क्लासेस उसमें होंगी आपका जो ड्रीम कॉलेज है आपको मिलके रहेगा क्लियर एवरी वन एस्पेश फॉर द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम मैंने ये स्टेप लिया है तो मुझे आप सबका साथ चाहिए फॉर द सी यू ई टी बैच क्लियर यहाँ पे मैंने अनाउंस कर दिया है तो स्टे ट्यून्ड बच्चा बेल आइकन जरूर दबा लो जैसे ही वीडियो आए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ठीक है चलिए एवरीबडी आई होप इट इज क्लियर ये मेजर है वो भी अवेलेबल है. है एक बार uh, कहाँ पे आई थिंक नीचे रखे यार यहाँ पे है नहीं वरना मैं जरूर दिखाती आपको राइट चलिए थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन मिलते हैं जल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक एंड लव बहुत अच्छा पेपर जाएगा जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ राइट आराम से जब कुछ भी समझ में ना आए एक घुट पानी पीना सब ठीक हो जाएगा फाइन बहुत अच्छे यू ऑल कैन डू इट एंड बच्चा एक और चीज़ बता दूँ कि कल फटाफट से पेपर जब दे के आ जाओ ना तो मुझे पी जो है क्वेश्चन पेपर की इंस्टा पे सेंड कर देना या फिर ईमेल कर देना राइट right? और मैंने अपने प्लस बैच के बच्चों को जो पेड कोर्स में थे उन्हें टेलीग्राम आईडी भी दी है वो वहां पे भेज देंगे ताकि मैं फटाफट -पत से आंसर एनालिसिस की लाइव वीडियो कर लू आफ्टर यू गाइस कम फ्रॉम योर एग्जाम ठीक है क्लियर हाँ या ना बच्चा ठीक है चलिए बहुत अच्छे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आई सी यू टूमोरो विथ द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस Bye bye, best of luck. See you all. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video. Make sure to like, share, and subscribe to the channel.